Assalamu alaikum everyone. Good morning and welcome to this guided session for CSS preparation that has been specially set up and arranged for you with the help of KIPS and IWR UVT Lahore. Please join me in welcoming Mr. Shahrukh, Mr. Anas Bhatti and Dr. Shahid Wazir, who have joined us and taken time out of their very busy schedules to provide you with their experience, their knowledge and help you so that you can have a successful future. I would now like to hand over the proceedings for today's event to the CSS team so that they can carry the event forward. Assalamu alaikum ji, hope you all are doing well. Thank you so much for having us here tonight today. My name is Shahrukh and I graduated from LUMS with a bachelor's degree in management science. Uske baad I worked in the corporate sector for a year. Uske baad maine CSS apna pehli attempt mein qualify kiya in 2019. Ever since then I have been working with KIPS on multiple projects and currently serving as the additional director for their competitive exams program. अच्छा, आज का जो हमारा सेशन है इसमें हम लोगों ने बात करनी है CSS as an alternate career path के बारे में. And inshallah when you walk out of this room the idea is कि आपको complete overview और clarity हो about this process और ये journey actually है क्या, right? अच्छा, आज का जो हमारा सेशन है primarily CSS के ऊपर होगा. इसकी क्या चीज़ है, क्या discussion है, overall ये किस जर्नी का नाम है, व्हाट इट्स अबाउट. ठीक है, आई विल ट्राई टू कीप इट ब्रीफ, क्रिस्प एंड टू द पॉइंट. सबसे पहले तो ये कि CSS हमें पहले जानना है कि है क्या, बिफोर आई एक्चुअली डीबंक द मिथ्स दैट आर एसोसिएटेड विद दिस एग्जाम. अनफॉर्चुनेटली इस एग्जाम को लेके मार्केट में बहुत ज़्यादा मिसकंसेप्शंस हैं, मिथ्स हैं और गलत किस्म की बातें फैली हुई हैं और लोगों को इस एग्जाम को अप्रोच करने से ही इतना डरा दिया जाता है कि पता नहीं ये कौन सी एक अनडूएबल सी चीज़ है जो हमसे कभी हो नहीं पाएगी और इसमें बहुत ज़्यादा जो है वो डिफ़िकल्ट किस्म की हमें चीज़ें रिक्वायर्ड हैं जो आम बंदे के बस की बात नहीं है, राइट? एक इदारा है आपका गवर्नमेंट का जिसका नाम है FPSC, फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन. ठीक है, बेसिकली वो इदारा है जो गवर्नमेंट का HR डिपार्टमेंट आप कह लें, गवर्नमेंट की रिक्रूटमेंट एजेंसी है जो वेरियस गवर्नमेंट की पोस्ट्स के लिए आपकी रिक्रूटमेंट करती है लोगों की. उसमें बहुत ज़्यादा है, असिस्टेंट डायरेक्टर्स होते हैं, CSS होता है और कुछ एग्ज़ाम्स होते हैं. उसका जो सबसे बड़ा मेजर और पाकिस्तान का दी मोस्ट प्रेस्टिजियस एग्ज़ाम है जिसके बारे में आपने सुना होगा, दैट इज़ द CSS एग्ज़ाम, सेंट्रल सुपीरियर सर्विसेज. अब ये एग्ज़ाम होता क्या है? इस एग्ज़ाम के प्राइमरली दो कॉम्पोनेंट्स हैं. एक आपका होता है रिटन पार्ट और एक आपका होता है इंटरव्यू. रिटन जो एग्जाम है, जब आप ये क्लियर करते हो तब आप एलिजिबल होते हो CSS के इंटरव्यू में क्वालिफाई करके अपीयर होने के लिए. अब जो CSS का रिटन पार्ट है इसमें आपके 1200 नंबर आपको टोटल एग्जाम होता है जिसमें आपके 600 मार्क्स कंपलसरी के होते हैं और 600 मार्क्स आपके होते हैं ऑप्शनल सब्जेक्ट्स के. ठीक है, अगर मैं आपको ब्रीफ ओवरव्यू दूं, अब मैं बहुत ज्यादा टाइम इस पर स्पेंड नहीं करूंगा कि CSS क्या है, इसके डिटेल्स के हैं सब्जेक्ट्स की, बिकॉज ये आपको सारी चीज़ें YouTube और थोड़ा सा भी आप रिसर्च करोगे तो आपको इसके बारे में पता लग जाएगा. तो आज का जो हमारा एजेंडा है मैं फ़ौरन उस पर आऊँगा. तो 600 मार्क्स के आपके कंपलसरी सब्जेक्ट्स हैं जिसमें आपके करंट अफेयर्स, पाकिस्तान अफेयर्स, जनरल साइंस एंड एबिलिटी, इस्लामिक स्टडीज़, इंग्लिश एसे और इंग्लिश प्रेसी एंड कॉम्पोजिशन. ये 600 मार्क्स आपके कंपलसरी हैं और हर कंपलसरी 100 मार्क्स का है और आपको क्वालिफाई या पास करने के लिए हर कंपलसरी में 40% मार्क्स रिक्वायर्ड हैं. डज दैट मेक सेंस? इसके बाद आपका आ जाते हैं ऑप्शनल्स का ग्रुप. ऑप्शनल्स में आपके 7-8 CSS के अंदर ग्रुप्स बने हुए हैं जिसमें तमाम बहुत वेरियस सोशल साइंसेज, लैंग्वेजेस, साइंसेज, इकोनॉमिक्स, मैथ्स, स्टेटिस्टिक्स, अकाउंटिंग, बहुत ज़्यादा ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जो आप लोग अपनी स्ट्रेंथ्स के ऊपर खेल के उनको ऑप्ट कर सकते हो ताकि आप मैक्सिमम स्कोर फेच कर सको. मज़ेदार बात यह है कि ऑप्शनल्स में पास करने के लिए आपको सिर्फ 33% मार्क्स रिक्वायर्ड है हर ऑप्शनल में.
ठीक है। अब जब आप CSS का रिटन पार्ट क्लियर कर लेते हो 1200 मार्क्स का, आपने हर कंपल्सरी में 40 मार्क्स चाहिए और आपको ऑप्शनल में 33 मार्क्स चाहिए। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि 1200 में से आपका कम से कम एग्रीगेट स्कोर मिनिमम 600 होना चाहिए। सो बेसिकली इन ऑर्डर टू पास CSS 40 आपने लेने हैं कंपल्सरी में, 33 नंबर लेने हैं आपने ऑप्शनल्स में, और 1200 में से टोटल स्कोर आपका कितना होना चाहिए 600। गुड। अब वंस यू हैव क्लियर्ड द रिटन पार्ट, देन कम्स द इंटरव्यू स्टेज। इंटरव्यू आपका होता है 300 मार्क्स का। अब इंटरव्यू में आप क्या पूछ सकते हैं, इट कैन रेंज फ्रॉम योर हॉबीज, इंटरेस्ट्स, योर एक्सपीरियंस एट UET, द कलर ऑफ द क्लोथ्स दैट यू आर वेयरिंग, योर फेवरेट बुक्स, योर ऑप्शनल सब्जेक्ट्स, इट कैन गो अराउंड एनीथिंग। डिपेंड्स के आपके सामने जो पैनलिस्ट्स बैठे हुए हैं उनका मूड क्या है, वो आपको किस एरिया में खिलाना चाह रहे हैं, आप उनको किस तरह अपनी डोमेन में लेके आते हो। सो इंटरव्यू के कोई बाउंड नहीं है। मतलब एक बंदे को घोड़ों का शौक है तो सारा इंटरव्यू घोड़ों पे जा सकता है, एक बंदे ने फेवरेट किताब रखी हुई है उसके ऊपर बात हो सकती है, एक बंदे के टोकन क्वेश्चन हो सकते हैं, रैंडमली वो आपको टेस्ट कर रहे हैं जान के ऐसे सवाल दे के जिनका कोई सर पैर नहीं है, बस वो देखना चाह रहे हैं कि आप पैनिक तो नहीं करोगे, आप कॉन्फिडेंस तो नहीं लूज करते, आप नर्वस तो नहीं हो जाते। तो जब आप ये स्टेज क्लियर कर लेते हैं, जब आपने रिटन और इंटरव्यू क्लियर कर लिया, तो आप बन जाते हैं असिस्टेंट कमिश्नर 17th ग्रेड के ऊपर। अब ये CSS एक वाहिद एग्जाम है जो आपको इतना अच्छा, इतनी जल्दी एक ऐसी स्टेज पे ले आता है जहां पे आपका सोसाइटी में एकदम रिकग्निशन, इम्पैक्ट, प्रेस्टीज और ओवरऑल जो आपका सोसाइटी में एक रोल है वो बड़ा क्रूशल हो जाता है। अब इसके बाद क्या होता है, आपके तकरीबन 12 ग्रुप्स हैं CSS के अंदर, जिसके अंदर आप एज पर योर चॉइस एंड आपका मेरिट, मेरिट से मुराद है आपका रिटन में स्कोर कितना आया है और आपका इंटरव्यू में स्कोर कितना है, वो डिसाइड करेगा कि आप कौन से ग्रुप में लैंड कर रहे हो। अब कुछ आपने, आप लोगों ने इस बारे में सुना होगा कि यार वो फॉरेन सर्विस में लगा हुआ है, यार वो पुलिस सर्विस ऑफ पाकिस्तान में लगा हुआ है CSS करके, यार वो DMG या PASS में लगा हुआ है, पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस। सो इफ आई वर टू क्विकली गिव यू एन ओवरव्यू, अब ये जो ग्रुप्स हैं इनकी पॉपुलैरिटी और इम्पोर्टेंस बहुत सब्जेक्टिव है, हाउएवर बाय एंड लार्ज मेजॉरिटी लोग टॉप पे रखते हैं इन तीन ग्रुप्स को जो मैं अब बताने लगा हूं, पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, पुलिस सर्विसेज ऑफ पाकिस्तान, फॉरेन सर्विसेज ऑफ पाकिस्तान, उसके बाद आपके सारे ग्रुप्स आपकी डिजायर्ड चॉइस में है जिसके अंदर कस्टम्स आ सकता है, पाकिस्तान ऑडिट एंड अकाउंट्स आ सकता है, पाकिस्तान का रेलवेज ग्रुप आ सकता है, आपका इनलैंड रेवेन्यू एंड सर्विस आ सकता है, मिलिट्री लैंड एंड कंटोनमेंट ग्रुप आ सकता है, सो ऑन एंड सो फोर्थ, ऑफिस मैनेजमेंट ग्रुप आ सकता है। अब मैं उनकी डिटेल्स में नहीं जा रहा बिकॉज दैट इज इररिलेवेंट फॉर नाउ। पॉइंट इज कि आपने एम करना है आप टॉप 5 से 6 ग्रुप्स में आओ, जिस जो आपने हॉट फेवरेट सुने हुए हैं, आपने रिटन क्वालिफाई करना है, उसके बाद आपने अपना इंटरव्यू पास करना है 600 मार्क्स लेके। अच्छा, इंटरव्यू में 300 मार्क्स में से जो स्कोरिंग मार्क्स हैं आपके वो 100 है, 100 मार्क्स पे आप CSS का इंटरव्यू क्वालिफाई कर सकते हो। अब आपका अगला सवाल होगा कि सर अगर हमने बेयर मिनिमम मार्क्स ले लिए हैं, 600 ले लिए हैं 1200 में से, 300 में से हमने 100 नंबर ले लिए, तो हमारा CSS हो गया? Yes, आपका CSS हो गया, लेकिन हो सकता है आपका मेरिट और स्कोर इतना अच्छा ना बनाओ कि आपको अपने डिजायर्ड ग्रुप या एक ग्रुप के अंदर एलोकेशन मिल सके। अब आपका अगला सवाल होगा सर हमें कितने मार्क्स रिक्वायर्ड हैं ताकि हम CSS में एक सेफ जोन के अंदर फॉल कर जाएं। देखो अगर तो आपका डोमिसाइल से मुराद है कि आप पंजाब से हो, सिंध से हो, किसी और सूबे से हो, अगर आप पंजाब से नहीं हो, आई रिपीट, इफ यू आर फ्रॉम सिंध, KP, बलूचिस्तान और एनी अदर प्रोविंस, तो एनीथिंग अराउंड 630 टू 650 अगर आप रिटन में ले लेते हो और 150 नंबर आप ले लेते हो अपने इंटरव्यू के अंदर, तो आपको बहुत अच्छे ग्रुप में एलोकेशन मिल सकती है। लेकिन अगर आप पंजाब से हो तो आपने कोशिश ये करनी है कि आपके 650 से ज्यादा मार्क्स रिटन में हो और आपके 170-180 से ज्यादा मार्क्स रिटन में हो, दैट इज दी लाइक आइडियल केस सिनेरियो, इससे ज्यादा आपने कोशिश करनी है अगर आप पंजाब के अंदर हो।
सो ब्रीफली मैंने बता दिया, अब दो साल पहले सीएसएस के अंदर एक और स्टेज ऐड हुई है जिसको कहते हैं एमपीटी, एमसीक्यू बेस्ड प्रिलिमिनरी टेस्ट। उसका क्या मकसद है? उन्होंने कहा यार बहुत ज्यादा लोगों को पेड़ होने लग गए हैं सीएसएस के अंदर, हम अपने लिए जो है ना वो मुश्किल आसान करते हैं, एक स्क्रीनिंग रख देते हैं, एक एमसीक्यू उसका इम्तिहान देते हैं, जो बंदा वो क्लियर करेगा वही एलोकेट वही जो है ना आगे रिटर्न में अपेयर हो सकता है। सो उन्होंने एक और चेक किया, एक और गेट लगा दिया कि यार जो उस गेट से थ्रू होगा उसके बाद वो रिटर्न में अपेयर हो सकता है। अब मजेदार बात यह है, पिछले दो सालों के अंदर 98% लोग एमपीटी क्लियर कर गए। तो डिड इट रियली मेक अ डिफरेंस? नॉट रियली। उसमें होता क्या है, 200 मार्क्स के आपके एमसीक्यूज हैं जिसमें आपके कुछ अंग्रेजी पे होंगे, कुछ जनरल नॉलेज पे होंगे, कुछ आपके करंट अफेयर्स, उर्दू और सो ऑन, जनरल जो आपने चीजें पढ़ी हुई हैं उनके ऊपर आपके होंगे। 200 मार्क्स में से आपने एमपीटी क्लियर करने के लिए यू जस्ट नीड टू गेट 66 एमसीक्यूज करेक्ट, विच इज 33% ऑफ द एग्रीगेट स्कोर। ऑनेस्टली स्पीकिंग, अगर मैं आपको अभी एमपीटी का पेपर दूं तो आप में से 90% लोग अभी उसको क्लियर कर लेंगे। सो दैट इज नॉट रियली अ मैटर ऑफ कंसर्न। जो मेजर पार्ट है वो आपका सीएसएस का रिटन पार्ट है। आप असिस्टेंट कमिश्नर लगते हो, आपके पास पूरे तहसील की एक ज्यूरिसडिक्शन होती है, आप उसके एडमिनिस्ट्रेटिव हेड होते हो, बेशक आप आईआरएस में हो, आप पुलिस में हो, आप फॉरेन सर्विस में हो, आप पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस में हो, या जो भी आपका ग्रुप है जिसमें आप लैंड किए हो, एंड यू हैव अ लॉट ऑफ पावर, इम्पैक्ट एंड अथॉरिटी, जिसपे सर अनस भट्टी जो है मेरे बाद आपको ओवरव्यू देंगे कि यार एज एन ऑफिसर आपका क्या रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं और कितना मजेदार प्रोफेशन है ये। सो दिस इज ब्रीफली अबाउट सीएसएस के सीएसएस है क्या, एफपीएससी कंडक्ट करता है, 17वें ग्रेड पे आप लैंड करते हो, रिटन में क्या होता है, पहले कंपल्सरीज हैं, ऑप्शनल्स हैं, टोटल स्कोर कितना चाहिए, उसके बाद हम अपने डिजायर्ड एलोकेशन के अंदर, डिजायर्ड ग्रुप के अंदर हम आ जाते हैं और टॉप 5 हॉट ग्रुप्स मैंने आपको बता दिए हैं कौन से हैं और आपने किस तरह से लेने हैं। So that is a bit about the exam. So it has 3 stages: MPT, written, interview, and you're done. इसके लिए आपके पास 3 lives होती हैं. You have 3 attempts. और age limit जो है इसकी, that is till 30. और आपको CSS में कम से कम bachelor's की degree required है in order to appear in this particular exam. So as soon as you graduate from UET, you have a chance कि आप CSS के लिए eligible हो और आप क्वालिफाई हो सकते हो। बहुत लोग अभी सेकेंड, थर्ड, फोर्थ ईयर में होंगे तो आप लोगों का कंसर्न ये होगा कि जी हम लोग अपनी तैयारी अभी स्टार्ट करें, बाद में स्टार्ट करें, एकेडमी कब ज्वाइन करें, सो ऑन एंड सो फोर्थ। आई एम नॉट आस्किंग यू टू कॉम्प्रोमाइज ऑन योर कोर डिग्री जो भी आप अभी ले रहे हो। ऑल यू नीड टू डू इज, जिस पे मैं अभी मजीद एलैबोरेट करूंगा, आई जस्ट वॉन्ट 2 थिंग्स फ्रॉम यू राइट नाउ। 1, अपनी बेसिक इंग्लिश ग्रामर और स्ट्रक्चर को ठीक कर लें, उस पर काम करना स्टार्ट कर दें, और दूसरा, ज्यादा नहीं, दिन में हाफ एन आवर 45 मिनट स्पेयर करके आपने थोड़ी सी न्यूज़पेपर रीडिंग स्टार्ट करनी है, और ये एक्टिविटी आपने फॉर द नेक्स्ट 1 ईयर लेके चलनी है। इट इज गोइंग टू सब्सटैंशियली हेल्प यू इन प्रिपेयरिंग फॉर द सीएसएस एग्जाम। आपको एक हेड स्टार्ट मिलेगा, बिकॉज 90% आवाम सीएसएस के अंदर आपकी अंग्रेजी के साथ स्ट्रगल करती है, और मेजॉरिटी लोग सीएसएस में इसलिए फेल करते हैं बिकॉज उनकी अंग्रेजी ठीक नहीं है। तो ये तो हो गया एक ब्रीफ ओवरव्यू आपका सीएसएस के बारे में। अब आई विल टेक द नेक्स्ट फ्यू मिनट्स टू टॉक अबाउट थिंग्स जो सीएसएस के बारे में मिथ्स हैं, मिसकंसेप्शंस हैं, और जिनके बारे में आपको पता होना बहुत जरूरी है, सो दैट यू गाइज नो कि यार क्या मैं सीएसएस करना चाहता हूँ, क्या मैं कर सकता हूँ, क्या इसमें जो चीज़ें आज हमें सेशन में डिस्कस करेंगे उन प्रीरिक्विजिट्स को मैं मीट करके इस एग्जाम के अंदर क्वालिफाई कर सकता हूँ या नहीं। आपको पता होगा सीएसएस के अंदर पासिंग परसेंटेज बहुत कम है, ऑलमोस्ट 95-97% लोग सीएसएस में पास नहीं करते। उसकी प्राइमरली जो वजह है वो ये है कि सीएसएस के 2 एग्जाम्स सबसे ज्यादा डिफिकल्ट और मोस्ट फियर्ड एग्जाम समझे जाते हैं। एक एग्जाम है आपका इंग्लिश एसे, और दूसरा आपका एग्जाम होता है अंग्रेजी का इंग्लिश प्रेसी एंड कॉम्पोजिशन। 98% लोग फेल इन आइदर वन ऑफ दीज 2 एग्जाम्स और बोथ ऑफ दीज एग्जाम्स।
उसकी प्राइमरीली वजह ये होती है कि आपकी बेसिक इंग्लिश ग्रामर और स्ट्रक्चर इनकरेक्ट है. आपकी नॉलेज, आपका स्टाइल, आपका बाकी स्ट्रक्चर, एसे, आउटलाइन, एवरीथिंग इज सेकेंडरी. सीएसएस में मैं आपको एफपीएससी के एग्जामिनर जो आपके पेपर्स चेक करते हैं, मैं उनका आपको कोट एंड कोट ये बात बता रहा हूं कि वो कहते हैं, पंजाबी में उन्होंने बात की थी कि जेड़ा बंदा सीएसएस से अंग्रेजी भी पास, अंग्रेजी भी ठीक लिख देता है ना, उन्हें असी पास कर देते हैं. सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू, पहला प्री रिक्विजिट जो आपने मीट करना है वो है सिंपल ग्रामेटिकली करेक्ट इंग्लिश. आप आर्टिकुलेट करके पेपर पे लिख सकते हो. अब आपको लगता होगा सीएसएस का पर्चा या एसे पास करने के लिए आपको पता नहीं किस जात की अंग्रेजी चाहिए, किस लेवल का आपको इंग्लिश का आपका एक्सप्रेशन होना चाहिए. इंग्लिश हमारी, हमें सीएसएस के अंदर मुश्किल नहीं चाहिए. वी डू नॉट नीड टू लर्न कॉम्प्लेक्स हाईफाई डिफिकल्ट फ्लावरी लैंग्वेज. जितना हमारा एक्सप्रेशन आसान, सिंपल, लूसिड, ग्रामेटिकली करेक्ट, छोटे और क्रिस्प सेंटेंसेस के अंदर हम अपना राइट अप लिखेंगे, उतना हमें फायदा है. तो अगर आप लोग बहुत मुश्किल किताबें पढ़ रहे हो, शेक्सपियर पढ़ रहे हो, बहुत ही हैरी पॉटर की सीरीज पढ़ रहे हो कि मुझे सीएसएस में इसका फायदा होगा, इट माइट हेल्प यू टू एन एक्सटेंट, बट सीएसएस इज नॉट एन एग्जाम ऑफ कॉम्प्लेक्सिटी, इट इज एन एग्जाम ऑफ सिंप्लिसिटी. जितना आप अपना एक्सप्रेशन सादा सिंपल रखोगे, ग्रामेटिकली करेक्ट रखोगे, उतना आपको फायदा है. मेरे दो दोस्त हैं जो ए लेवल्स में टॉपर्स थे एसएएस के, सीएसएस के अंदर उनका दो दफा एसए फेल किया है. क्यों? क्योंकि उनका एक्सप्रेशन इतना डिफिकल्ट है कि मुझे भी दो दफा पढ़ के समझ नहीं आती पूरी तरह कि वो क्या कहना चाह रहे हैं. द पर्पज इज टू गेट योर मैसेज अक्रॉस. एक 10 या 12वीं जमात का बच्चा आपका राइट अप पढ़ के समझ जाए कि आप क्या कहना चाह रहे हो. ही शुड नॉट फील द नीड टू रिजॉर्ट टू अ डिक्शनरी या वो और रिसर्च करे कि पता नहीं आप कहना क्या चाह रहे हो. या हमने अंग्रेजी में इसको कहते हैं, हमने रिटोरिकल एक्सप्रेशन इस्तेमाल नहीं करना. रिटोरिकल एक्सप्रेशन होता है जब मेरी बात में कोई वजन नहीं है, मैं डिफिकल्ट वर्ड्स इंसर्ट कर रहा हूँ जस्ट टू हैव एन इंप्रेशन या जस्ट टू क्रिएट एन इम्पैक्ट कि मैंने बहुत नेक्स्ट लेवल और डीप बातें कही हैं. द पर्पज इज सिंप्लिसिटी. सो टुडे आर फर्स्ट टेक अवे फॉर फ्रॉम दिस सेशन इज कि इफ वी आर सीरियस अबाउट परस्यूइंग दिस जर्नी, इफ वी वॉन्ट टू अंडरटेक दिस प्रोसेस, देन फ्रॉम टूडे वी नीड टू वर्क ऑन आर इंग्लिश. सिंपल, ग्रामेटिकली करेक्ट, आसान एक्सप्रेशन पे काम करें. अनफॉर्चुनेटली मोस्ट ऑफ अस थिंक हम लोगों को अंग्रेजी आती है, लेकिन हम लोगों को अंग्रेजी नहीं आती. मतलब एक सिंपल सी मिसाल देता हूँ. हम कहते हैं ही इज हैविंग अ लॉट ऑफ फन. अब अ लॉट का जो वर्ड है ये एक वर्ड नहीं है, ये दो वर्ड्स हैं. ग्रामेटिकली इनकरेक्ट होते हैं इनको इकट्ठे लिखना. अब आई एम स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ यू, मोस्ट ऑफ यू विल राइट इन फ्रंट टूगेदर. इन फ्रंट दो वर्ड्स हैं, इन फ्रंट एक वर्ड नहीं है. डज दैट मेक सेंस? आपको ईटीसी का पूरा फुल फॉर्म के स्पेलिंग्स नहीं आते, एक्सेट्रा जो आप लिखते हैं. आपको सेमी कोलन का यूज नहीं पता, डैश और एम डैश में फर्क नहीं पता, इट्स के साथ पॉस्ट्रोफी कब लगनी है, नहीं लगनी. दीज आर द बेसिक्स ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज एंड आई किड यू नॉट मेजॉरिटी को नहीं पता. अभी भी आई टी एस और आई टी पॉस्ट्रोफी एस में फर्क लोगों को नहीं पता. ये बेसिक्स ठीक करनी है, हमने हाईफाई अंग्रेजी नहीं सीखनी. दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है जो दूसरा टेक अवे है आज का. CSS का आप लोग आज इकट्ठे हुए हो कि यार CSS एक एग्जाम है, उसके बारे में सीखते हैं, समझते हैं, थोड़ा सा नो हाउ लेते हैं, मेरा इंटरेस्ट है. आज मेरी एक रिक्वेस्ट है आपसे, वो ये है कि CSS को आपने एज एन एग्जाम अप्रोच नहीं करना. ठीक है, अभी मैंने लम्ब से डिग्री ली है, मैंने बिजनेस स्कूल की डिग्री ली है, मैंने बहुत अच्छी डिग्री ली है. मुझे लगता था मुझे बहुत पता है, मैंने काफ़ी घुमा फिरा हूँ, पाकिस्तान काफ़ी घुमा, दुनिया काफ़ी देखी. लेकिन जब मैं सीएसएस की जर्नी के अंदर आया तो मुझे रियलाइज हुआ कि मुझे कख नहीं पता. आई वॉज सो अलूफ एंड अनइनफॉर्म्ड अबाउट द रियल कोर इश्यूज दैट मैटर. और जो हमारी सोसाइटी के अंदर इंपॉर्टेंट चीजें हैं, मुझे उनके बारे में कुछ नहीं पता. IMF क्या है, दुनिया में क्या मसले हैं, यूक्रेन वॉर क्या है, क्लाइमेट चेंज का इशू क्या है, लोग क्यों रो रहे हैं, अनएम्प्लॉयमेंट के मसले क्या हैं, पाकिस्तान की इकॉनमी इन डोल्ड्रम्स क्यों है, आपका ब्रेन ड्रेन क्यों हो रहा है. आई रियलाइज्ड कि यार दुनिया के जो एक्चुअल कोर मसले हैं उनके बारे में तो मुझे पता ही नहीं है. आप लोग UET के बैकग्राउंड से हो, आपकी आई एम अज्यूमिंग आपकी डिग्रीज बहुत टेक्निकल होंगी, विच इज़ गुड, विच इज़ फाइन. बट ट्रस्ट मी, इस वक्त मेरी और आपकी ज़ात को, आप लोग इस वक्त इन्वायरमेंटल डिपार्टमेंट में हो,
आप लोगों को तो खैर पता होगा, दुनिया को और हमारी ह्यूमैनिटी को इस वक्त सबसे बड़ी थ्रेट इज द थ्रेट ऑफ क्लाइमेट चेंज एंड ग्लोबल वार्मिंग। और कसम से मैं सेमिनार्स करता होता हूँ, 200 के हॉल में सिर्फ एक या दो हाथ खड़े होते हैं जिनको ये बात पता होती है, और उनसे मैं पूछता हूँ कि क्या आप इस बारे में कुछ कर रहे हो, आप क्लाइमेट चेंज के बारे में कुछ कर रहे हो, और उनका जवाब आगे से वो हाथ फौरन ही नीचे हो जाता है कि दे आरंट डूइंग एनीथिंग, आप लोग लिटरेट इन्फॉर्म्ड हो, आप लोग पढ़े लिखे हो, लेकिन आप लोग कुछ नहीं कर रहे। सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू इज सीएसएस एक एग्जाम नहीं है, सीएसएस की जर्नी एक पर्सनैलिटी डिवेलपमेंट, एक ग्रूमिंग, एक अंडरस्टैंडिंग, एक लिटरेसी और एक आपके वाइडनिंग ऑफ हॉराइजंस का कोर्स है जो आपको एक बेहतर इन्फॉर्म्ड लिटरेट ग्रूम्ड एजुकेटेड सिटीजन बनाएगा इस मुल्क के लिए भी, एक एक दोस्त, एक भाई, एक माँ, एक बाप, एक हर कैपेसिटी में इट इज गोइंग टू मेक यू अ मच मोर एजुकेटेड इन्फॉर्म्ड एंड लिटरेट सिटीजन। इट इज गोइंग टू ट्रांसफॉर्म योर थिंकिंग पैटर्न एंड हॉराइजंस। हम लोग ये सोचते हैं, अभी आप लोग सोच रहे होंगे यार सीएसएस ना हुआ तो मेरा टाइम ज़ाया हो जाएगा, सीएसएस ना हुआ तो यू नो मैं लोगों को लगेगा मैं वेला हूँ, टाइम ज़ाया कर दिया है, कुछ जॉब नहीं मिल रही तो सीएसएस की तरफ टूर पड़े, लोगों की अक्सर ये वो होती है। आई किड यू नॉट, सीएसएस इज प्रोबेबली द ओनली थिंग, व्हेन आई से सीएसएस आई एम टॉकिंग अबाउट द जर्नी, सीएसएस इज प्रोबेबली द ओनली थिंग जो आपकी जिंदगी के दरवाजे और एवेन्यूज खोलेगा, क्योंकि इसकी प्रिपरेशन इतनी वाइड कॉम्प्रीहेंसिव और कमाल किस्म की है यार। आपकी अंग्रेजी ठीक हो रही है, आप साइंस पढ़ रहे हो, आप एबिलिटी पढ़ रहे हो, आप करंट अफेयर्स पढ़ रहे हो, आप पाकिस्तान अफेयर्स पढ़ रहे हो, आप आईआर पढ़ रहे हो, आप जेंडर पढ़ रहे हो, इतना ब्रॉड कॉम्प्रीहेंसिव और होलिस्टिक इम्तिहान आप कभी जिंदगी में इनकाउंटर नहीं करोगे। आई थिंक सीएसएस की प्रिपरेशन और पीएमएस की प्रिपरेशन इज गोइंग टू प्रिपेयर यू फॉर एवरी चैलेंज दैट इज गोइंग टू कम इन योर वे, whether it's your master's, whether it's your job, whether it's your MPhil, master's, MBA, बाहर जाना जो मर्जी करो, इसमें जो नॉलेज और ग्रूमिंग आप लोगे वो आपको पूरी जिंदगी आपका साथ देगी हर कैपेसिटी के अंदर। यू विल रियलाइज जेंडर स्टडीज में औरतों के मसले क्या हैं, पाकिस्तान में क्या प्रॉब्लम्स हो रहे हैं, यू विल लर्न टू रियलाइज के वी कैन को एग्जिस्ट विद डिफरेंस ऑफ ओपिनियन, वी डोंट हैव टू इनफोर्स आवर ओपिनियन ऑन एनीबॉडी, वी डोंट हैव टू से कि मैं सही और तुम गलत, हम ये भी कह सकते हैं आपका अपना पर्सपेक्टिव है मेरा अपना है, एंड लेट्स जस्ट कोएग्जिस्ट और दूसरे के ऊपर थोपने की कोशिश ना करें। आपको दुनिया के कोर इश्यूज के बारे में पता लगेगा, पाकिस्तान क्यों इस वक्त इस स्टेट में है, हमारे गवर्नेंस के मसले क्या हैं, इलेक्शंस के मसले क्या हैं, हमारी पॉलिटिक्स के मसले क्या हैं। अच्छा एक और चीज कहते हैं जी मैंने सीएसएस नहीं करना क्योंकि मुझे पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट नहीं है, पॉलिटिक्स हैज नथिंग टू डू विद सीएसएस, यू कैन नॉट इवन ब्लेटेंटली राइट अ पार्टीज नेम डायरेक्टली इन योर एग्जाम कि PMLN ने ये किया तो फलाना तो टमकाना तो इमरान खान ने ये किया। आप क्रिटिकली ब्रॉडली बात कर सकते हो, लेकिन अगर आपको पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट नहीं है दैट शुड नॉट डिविएट यू के भाईजान सीएसएस मैंने नहीं करना। अच्छा दूसरी चीज ये कि हाँ सीएसएस ना हुआ तो टाइम जाया, इस पर्सपेक्टिव को अपने दिमाग से निकाल दो, बिकॉज आपका जितना दिमाग ये खोलेगा, मेरा ख्याल है पाकिस्तान के हर बंदे को इस जर्नी से गुजरना चाहिए, बेशक वो पाकिस्तान में रहना चाहता है या नहीं रहना चाहता, यू हैव टू, इफ आई वर गिवन द अपॉर्चुनिटी और मैं इस पोजीशन में हूँ कि मैं पाकिस्तान की इस ऐसी पोजीशन पे आऊँ जहाँ पे मैं मेरे पास ये पावर हो, तो मैं कसम से बैचलर्स के साथ या बैचलर्स के बाद मैं 4 महीने का सीएसएस का कोर्स कंपल्सरी कर दूँ कि उसके बगैर आपको डिग्री नहीं मिलनी, not for the sake of the exam but to make you guys more informed, educated and literate. We think we are educated, having a degree does not make you educated, knowing about the core things makes you educated. Does that make sense? Matlab in all due honesty maine bahut achhi degree li hai lekin kabhi kabhi main sochta hu ki yaar maine is degree ko leke kya kar liya hai, matlab I wish in hindsight I wish yaar koi main aisi cheez karta jo mujhe duniya aur uske bare mein zyada इन्फॉर्म करती है और मैं बेहतर तरीके से कंट्रीब्यूट कर पाता। हाउ एवर बेटर लेट देन नेवर। अगली चीज़ ये है कि एक और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है सीएसएस के अंदर, अगर आपने अपना एग्जाम क्वालिफाई करना है तो पहली तो मैंने चीज़ बता दी आपने कोशिश करनी है अंग्रेजी आप ठीक लिखो, दूसरी जो इंपॉर्टेंट चीज़ है जो आपको अभी से ही करनी है जिस पर आपने काम करना है, हम लोग सीएसएस को कन्फ्यूज करते हैं कि यार हमें नॉलेज बहुत ज़्यादा चाहिए, बेशक नॉलेज चाहिए, बहुत नॉलेज चाहिए,
डिसेंट अमाउंट ऑफ नॉलेज चाहिए, लेकिन अगर इस बच्चे के पास या इनके पास 9/10 नॉलेज है और यहाँ पे एक लड़की बैठी है उनके पास 7/10 नॉलेज है, और जो 7/10 वाली नॉलेज वाली बंदी है उसकी राइटिंग प्रैक्टिस, उसकी डेली रिटन एक्सप्रेशन, उसका टाइमली कंप्लीशन ऑफ एग्जाम्स, और वो अपने टाइम को इतना अच्छा मैनेज करती हैं, तो देर इज अ 99.999% चांस दैट शी विल एंड अप क्वालिफाइंग द सीएसएस एग्जाम, एंड जिसकी नॉलेज ज्यादा थी वो गारंटी या कंफर्म नहीं होता कि वो एग्जाम कंप्लीट कर लेगा। तो मैं बात आपसे ये कर रहा हूं कि अगर आपने सीएसएस के एग्जाम को क्वालिफाई करना है या आपने उसके ऊपर काम करना है, तो आपकी राइटिंग प्रैक्टिस और आपकी अबिलिटी टू कंप्लीट योर एग्जाम्स इन द गिवन टाइम फ्रेम इतना अच्छा आपका होना चाहिए ताकि आप लोग क्वालिफाई कर सको। हम लोगों ने एक सर्वे किया था जिसमें हमने ये देखा था कि जो लोग सीएसएस क्वालिफाई करते हैं, रिटर्न पार्ट की बात कर रहा हूँ, उनमें कॉमनैलिटी क्या है। आज वो दो गुड़ की बातें मैंने आपको इतनी आसानी से बता दी। एक, उनकी अंग्रेजी ठीक होती है। दूसरा, बाय एंड लार्ज वो अपने एग्जाम्स कंप्लीट करते हैं। मेजॉरिटी लोग सीएसएस में अपने एग्जाम्स कंप्लीट ही नहीं कर पाते। मेरा कल जानने वाला मुझे मिला, हर कॉम्पोनेंट में अच्छा स्कोर था, प्रेसी के पेपर के अंदर 40 नंबर छोड़ आया, प्रेसी फेल कर दिया। लोग अपना एसे कंप्लीट नहीं कर पाते। लोग, चार सवाल होते हैं आपके सीएसएस के अंदर जो आपने करने होते हैं, चॉइस होती है। चार सवाल में पहला आपका क्वेश्चन लिख दिया 12 सफों का, दूसरा 8 सफों का, तीसरा 6 सफों का, और आखिरी आपने पेपर जो आपका क्वेश्चन था वो 2 सफों का लिख रहे थे और टाइम खत्म हो गया। इसका मतलब है कि आप अपने पाँव पे खुद कुल्हाड़ी मार रहे हो। यू हैव टू ट्रीट ऑल 4 क्वेश्चंस इक्वली, यू हैव टू मैनेज योर टाइम, इट इज टाइम बाउंड। सीएसएस का पर्चा अगर मैं आपको वैसे दे दूं ना बेटा, ये घर ले जाके आप सॉल्व करके ले आना, आप लोग सब उसमें छक्के लगा दोगे। प्रॉब्लम ही ये है कि इट इज टाइम बाउंड, और आपने उस वक्त जो है उसको प्रॉपर तरीके से जो है ना वो एड्रेस करना है। सो टू इंपॉर्टेंट थिंग्स, अभी से हमने क्या करना है, इफ यू आर इन सेकेंड, थर्ड और फोर्थ ईयर, स्टार्ट रीडिंग द न्यूज़पेपर, थोड़ी सी नो हाउ लेना स्टार्ट करें चीजों के बारे में। दूसरा, स्टार्ट वर्किंग ऑन योर बेसिक इंग्लिश, गो बैक टू द बेसिक्स, हाई स्कूल इंग्लिश को रिजॉर्ट कर लो, रेन एंड मार्टिन को रिजॉर्ट कर लो, और कोई भी आपकी अंग्रेजी की किताब है बेसिक्स में जो काम करती है वो करना है। मैं आपको एक आइडिया देता हूँ, आप एक न्यूज़पेपर जब पढ़ रहे होते हो ना, अपनी पसंद की एक न्यूज़ निकालो, उसको समराइज करके अपने वर्ड्स में लिख के ना किसी अंग्रेजी के बंदे को चेक करवा दो, किस तरह जरा मेरी गलतियाँ निकाल दे। पहले तो वो आपका पूरा पेपर लाल कर देगा अगर तो वो सही बंदा हुआ। उसके बाद 10-12 राइटअप्स के बाद आप देखोगे कि आपका पेपर बेहतर होना स्टार्ट हो गया है। और अगर आप सीएसएस की जर्नी प्रॉपर तैयारी करने से पहले अपनी अंग्रेजी ठीक कर लेते हो, तो देर इज अ हाई चांस कि आप लोग पहली अटेम्प्ट में अपना एग्जाम क्वालिफाई कर लोगे। अगली इंपॉर्टेंट चीज ये है कि जो मिथ है वो ये है कि सीएसएस के लिए मुझे प्रायर नॉलेज होना जरूरी है। यार मेरा बैकग्राउंड रेलिवेंट नहीं है, मैंने तो इंजीनियरिंग पढ़ी हुई है या मैंने तो एनवायरमेंट के बारे में पढ़ा हुआ है, तो सीएसएस आईआर करंट अफेयर तो मेरे डोमेन की बात ही नहीं है। इंटरेस्टिंगली सीएसएस के अंदर अगर आपको प्रायर नॉलेज नहीं है ना, तो आप ज्यादा कामयाब होगे। आपका पास डेटा और रिजल्ट्स हमारे जो 5 साल का है, दोज पीपल हु स्टार्टेड एज कंप्लीट बिगिनर्स, हु स्टार्टेड ऑफ एज बिल्कुल फ्रेश, के यार उनको कख नहीं पता थी, उनको न्यूज़पेपर भी कभी नहीं पढ़ा हुआ था, उनको दुनिया के बारे में ज्यादा नो हाउ नहीं थी, उनका ज्यादा क्वालिफाइंग के चांसेस और सक्सेस का रेट होता है। सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू इज, अगर आपका प्रायर नॉलेज नहीं है, प्रायर आपका एक्सपीरियंस नहीं है सीएसएस के अंदर, दैट इज नॉट अ प्रॉब्लम, यू कैन स्टार्ट फ्रॉम स्क्रैच, द टाइम टू स्टार्ट इज नाउ, या आप ग्रेजुएशन के साथ या उससे पहले पहले थोड़ी बहुत नो हाउ लेना स्टार्ट कर दें, जस्ट बिकॉज आपका बैकग्राउंड रिलेटेड नहीं है। मेरा एग्जाम्पल ले लो, मैंने पूरी जिंदगी बिजनेस अकाउंटिंग और बिजनेस सब्जेक्ट्स पढ़े हैं, इकोनॉमिक्स पढ़ी है, और मैंने सीएसएस के बारे में मुझे कुछ नहीं पता था। इट टुक मी 2 months जस्ट टू लर्न टू होल्ड द न्यूज़पेपर। इज दैट मेक सेंस? आई डिड नॉट इवन नो द नेम ऑफ आवर प्रेसिडेंट एट दैट टाइम। दैट वाज, इतना मैं अनइन्फॉर्म्ड और अलूफ था कि मुझे ये तक नहीं पता था। बट व्हेन आई एंटर्ड द जर्नी, मुझे हुआ कि यार, मतलब आहिस्ता आहिस्ता थिंग्स विल स्टार्ट मेकिंग सेंस। तो अगर आपका प्रायर बैकग्राउंड नहीं है, दैट इज नॉट अ प्रॉब्लम। अगली इंपॉर्टेंट चीज ये है जो सीएसएस की जर्नी के अंदर है, रट्टा। अगर आपका रट्टा बहुत स्ट्रांग है और अगर आपका रट्टा बहुत अच्छा है, तो बहुत अच्छी बात है, उसका फायदा आपको सीएसएस में नहीं होने वाला, ठीक है? रट्टा विल गेट यू नोवेयर। अब आपका पैराडाइम शिफ्ट हो गया है सीएसएस के अंदर, बहुत कंसेप्चुअल, सब्जेक्टिव और अप्लाइड पेपर्स आते हैं।
दे वॉन्ट टू नो कि आपका व्यू पॉइंट क्या है और आप उसको जस्टिफाई कैसे करते हो. एब्सोल्यूट आंसर्स एग्जिस्ट नहीं करते कि भाई जान जिस आपकी इंजीनियरिंग में तो एब्सोल्यूट आंसर्स एग्जिस्ट करते हैं ना कि यार ये फॉर्मेट, ये स्ट्रक्चर, ये इसका एरर कैरिड फॉरवर्ड, ये क्वेश्चन का आंसर यही है. ठीक है, कोई भी डिबेट हो सकती है कि दुनिया में यूएस सुपर पावर है या नहीं है, क्या चाइना राइज कर रहा है नहीं राइज कर रहा, क्या पाकिस्तान की इकोनॉमी ठीक ट्रैक पे है या नहीं है, इट इज डिबेटेबल. एग्जामिनर डज नॉट वॉन्ट टू नो कि आपने आंसर क्या दिया है, वो ये देखना चाह रहा है कि आपने जो आंसर दिया है आप उसको जस्टिफाई कैसे कर रहे हो. सो अगर आपका रट्टा बहुत अच्छा है, अगर आप सीएसएस में बहुत समझते हो कि मैं रट्टा मार के कामयाब हो जाऊंगा, एक आधे सब्जेक्ट्स में थोड़ा सा पॉल साइंस, थोड़ा सा इस्लामिक स्टडीज के रट्टे लगा लोगे, उसके अलावा बाय एंड लार्ज रट्टे का कोई खास आपको फायदा होने नहीं वाला. तो भी अगर आपका रट्टा अच्छा नहीं है, दैट शुड नॉट डिटर यू. अच्छा है, इवन दैट्स नॉट अ बहुत अच्छी बात, वो नहीं है, तो इसके बारे में आपने वो नहीं होना. इसके साथ साथ जो दूसरी बात है वो ये है कि कुछ लोग, और इंक्लूडिंग माई सेल्फ एंड मोस्ट ऑफ यू, आर स्केर्ड कि यार सीएसएस में पढ़ना बहुत पड़ेगा, ऑलरेडी इतना पढ़ रहे हैं, पूरा दिन खज्जल होते रहते हैं, किताबों में हम लोग घुसे रहते हैं और ये वो. सीएसएस के अंदर आपको लगता है जमीन से लेके छत तक एक किताबों का स्टैक होगा जो मैंने पढ़ना है, उसके अंदर घुसना है, गोता लगा देना है, मैंने 10 घंटे उसके अंदर रहना है और बिल्कुल ही मैंने पागल हो जाना है किताबें पढ़ पढ़ के. ट्रस्ट मी व्हेन आई से दिस, इफ यू आर सोली रिलाइंग ऑन बुक्स इन सीएसएस तो माजरत के साथ आप बेवकूफ हैं. सीएसएस की बॉल गेम चेंज होगी हुई है, सिर्फ बुक्स पे रिलाई करना विल गेट यू नोवेयर. अब इंटरेस्टिंग बात क्या है, और मैं पूरी जिंदगी किताबों से भागता आया हूं, और अगर आप किताबें आपको नहीं पसंद तो ट्रस्ट मी सीएसएस आपको मजेदार चीज लगेगी, आपको अपील करेगा. आई एम नॉट सेइंग जो लोग किताबी कीड़े हैं वो सीएसएस नहीं कर सकते. अगर आप बुक से भागते आए हो या आप बहुत ज्यादा स्केर्ड हो बहुत ज्यादा किताबें पढ़ने से, तो ट्रस्ट मी आपको बहुत ज्यादा किताबें नहीं पढ़नी. अगर आप एफपीएससी की वेबसाइट पे जाओगे तो हर सब्जेक्ट के ऊपर आपको 12 सजेस्टेड रीडिंग्स हैं, बुक्स हैं. अगर आप वो पढ़ना स्टार्ट करो तो सीएसएस के लिए 5 साल भी कम है. कैन यू पॉसिबली डू 12 बुक्स फॉर एवरी सब्जेक्ट इन 1 ईयर? नो. यू विल एक आधी किताब आप लोगों के, उसके अलावा अब सीएसएस क्या डिमांड करता है, वीडियोस, यूट्यूब, थिंक टैंक्स के पेपर्स, आर्टिकल्स, रिसर्च पेपर्स, पॉडकास्ट, अच्छी मेंटोरशिप, अच्छे नोट्स, अच्छी क्लासेस, अच्छी कंसेप्चुअल क्लैरिटी, प्रेजेंटेशंस टू अपनी क्लास में प्रेजेंट करना, मल्टीपल रिसोर्सेज. मतलब मेरा 50-60% एग्जाम मेरा यूट्यूब से निकला था. स्टाइल, स्ट्रक्चर, फॉर्मेट मैंने एकेडमी और अपने इंस्ट्रक्टर से सीखे हुए थे. जो नॉलेज, जो मेरे सारा मवाद था, वो मैंने आर्टिकल्स, थिंक टैंक्स और पाकिस्तान के टॉप नॉच रिसर्च पेपर्स और वीडियो से निकाला था. पॉडकास्ट, मतलब आप लोग हंसोगे, जुनेद अकरम के कुछ पॉडकास्ट बहुत अच्छे हैं, आपका मुजम्मिल हसन थॉट बिहाइंड थिंग्स, जिसका अभी दिल की बात शुरू है इकोनॉमी के ऊपर, इतने कमाल पॉडकास्ट है. यार ये वो मीडियम्स और चैनल्स और वीडियोज हैं जो आपका बुक्स के साथ ऑटोमेटिकली, बुक्स के बगैर भी इंटरेस्ट डेवलप करना स्टार्ट कर देंगे. इंटरनेशनल लेवल के इतने कमाल यूट्यूब चैनल्स हैं कि आप सोच भी नहीं सकते. आपको करंट पाकिस्तान अफेयर्स की एक एक डेढ़ डेढ़ किताब पढ़ने के साथ साथ अगर आप यूट्यूब और न्यूज़पेपर को भी रिजॉर्ट कर लो प्रॉपरली, तो आपका IR, करंट अफेयर्स, पाकिस्तान अफेयर्स काफ़ी हद तक कवर हो जाता है. सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू इज कि बुक्स, अगर आप डरते हो बुक्स से, दैट इज़ नॉट अ प्रॉब्लम. YouTube, Facebook, Instagram और बाकी तमाम resources और channels और जगहों से हम लोगों ने तैयारी करनी है, which we will tell you in due time कि कैसे आपने लेके चलना है. ठीक है, उसके अलावा मैंने आपको ये बता दिया कि CSS में आपकी 3 attempts होती हैं. Having gone through this journey, आपका अगला सवाल होगा कि टाइम कितना रिक्वायर्ड है. इन ऑल ऑनेस्टी, अगर आप ऑल इन आ रहे हो, देखो आपको ऐसे लोग भी मिलेंगे जो कहेंगे यार मैं 2 साल से तैयारी कर रहा हूँ, आपको ऐसे लोग भी मिलेंगे जो कहेंगे मैं 3 महीने तैयारी करके मैंने एग्जाम दे दी है, और आपको ऐसे लोग भी मिलेंगे सीएसएस के अंदर जो आपको कहेंगे कि यार मैं रात को सो रहा था, मैं सुबह उठा, सोचा एग्जाम दे दूँ तो तेरे भाई का पुलिस आ गया या तेरे भाई का फॉरन सर्विस आ गया. आपको ऐसे लोग भी मिलेंगे, बट हैविंग गॉन थ्रू दिस जर्नी एंड हैविंग गॉन थ्रू दिस एक्सपीरियंस, रियलिस्टिकली स्पीकिंग, ये बहुत सब्जेक्टिव बात है, लेकिन आपको इस एग्जाम के साथ जस्टिस करने के लिए
कम से कम 8 months या 8 to 10 months की अच्छी डेडिकेटेड प्रॉपर तैयारी रिक्वायर्ड है. ट्रस्ट मी व्हेन आई से दिस दैट जॉब कैन वेट, योर मास्टर्स कैन वेट, योर फादर्स बिजनेस कैन वेट, द स्टार्टअप दैट यू आर प्लानिंग टू ज्वाइन और डू कैन वेट, वो रिश्ता जो आपको आया हुआ है वो भी रुक जाएगा अगर आपकी किस्मत में है. लेकिन ये वक्त जो आपका सीएसएस का है ग्रेजुएशन के बाद, ये टाइम दोबारा नहीं आएगा. आपके पास लिमिटेड टाइम है. अनस भट्टी साहब वॉज द यंगेस्ट ऑफिसर जो अपनी सर्विस के अंदर एलोकेट हुए थे अपने बैच के अंदर, मतलब ही मेड हिस्ट्री. ठीक है, यूईटी के ही ग्रेजुएट है, वो खुद अपना बताएंगे, लेकिन ही वॉज द यंगेस्ट ऑफिसर इन पीएमएस और उन्हें जब क्वालिफाई किया. तो मैं बात ये कर रहा हूँ कि 8 to 10 months की प्रिपरेशन अपने माइंड में रखो. अगर आप अभी न्यूज़पेपर पढ़ना स्टार्ट कर देते हो, अंग्रेजी ठीक कर लेते हो, तो ट्रस्ट मी 8 months आर मोर देन इनफ टू डू जस्टिस विद दिस एग्जाम. दैट बीइंग सेड, आपने कम से कम 2 attempts का माइंड अपने दिमाग में रख के आना है, क्योंकि सीएसएस के अंदर कुछ अनसीन फैक्टर्स, कुछ एक्सटर्नल चीज़ें जो आपके कंट्रोल में नहीं है, कुछ स्कोरिंग ट्रेंड और एक्स वाई जेड जिसकी डिटेल में अभी हम नहीं जा रहे, हर चीज़ आपके कंट्रोल में नहीं है. सो इन ऑर्डर टू टेक अ फेयर चांस, आई वुड रिक्वेस्ट कि आप कम अज़ कम 2 attempts इस एग्जाम को ज़रूर दो, बिकॉज इट इज़ प्रॉबेबली द बेस्ट थिंग दैट विल एवर हैपन टू यू. इन ऑल ऑनेस्टी बहुत ज़्यादा कमाल एक्सपीरियंस है ये. लास्टली जो मैंने बात करनी है वो ये है कि हाँ, सीएसएस में एक चीज़ याद रखना, हमें लगते हैं कि नॉलेज बहुत चाहिए, जो इस पर मैंने बात की है. नॉलेज से ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है जो आपको वक्त के साथ पता लगेगा और आपको वक्त के साथ आपको उसकी रियलाइज़ होगी इम्पॉर्टेंस. अगर आप सीएसएस की एग्ज़ाम और जर्नी की मैं बात नहीं कर रहा, मैं एग्ज़ाम की बात कर रहा हूँ. सीएसएस का जो एग्ज़ाम है ना, वो नॉलेज का एग्ज़ाम नहीं है, वो एक टेक्निक है जो आपने मास्टर करनी है. And that is where the role of institutes and mentors and good renowned places or academies step in. हमने आपको master करवाना है कि आपने technique सीखनी है, content, मवाद, clarity, concept, सारी चीज़ें हम आपको साथ साथ दे रहे होंगे. लेकिन CSS में वो बंदा कामयाब है जिसको पता हो मैंने Islamic studies में number कैसे उठाने हैं, मैंने Quranic verses और अहदीस को कैसे use करना है, मैंने current affairs, Pakistan affairs के अंदर diagrams, फ्लो चार्ट्स, मैप्स, पेपर प्रेजेंटेशन, स्टैट्स और इंपॉर्टेंट चीज़ें कैसे प्रेजेंट करनी है, एंड होस्ट ऑफ थिंग्स. ऐसे के अंदर मैंने थीसिस कहाँ लिखना है, फिर मैंने एक्सपोजिशन कहाँ करनी है, फिर मैंने मेन बॉडी कैसे बनानी है, मैंने पैराग्राफ के इंग्रेडिएंट्स क्या होने चाहिए, उसके बाद मैंने कंक्लूजन कैसे लिखना है. सो ये सारी टेक्निक्स हैं जो आपने मास्टर करनी है. सीएसएस के अंदर 3 important चीज़ें, सही अंग्रेजी, द एबिलिटी टू कंप्लीट योर एग्जाम्स, टाइम मैनेजमेंट, और तीसरा mastering the technique of writing and presentation. Knowledge should not be a matter of concern for you. Knowledge आप समझो एक टीका है जो हमने आपको लगा देना है और आपको knowledge आ जाएगी in due time. और आप अपने own पे भी एक tablet खा के रोज का टीका सीख सकते हो या knowledge ले सकते हो. What you cannot do on your own is master the technique. You need a proper guide, a mentor, an institute or an instructor who will guide you कि भाईजान आपको उस concept तो पता है, आपने इसको पेपर में लिखना और प्रेजेंट कैसे करना है ताकि आप मैक्सिमम मार्क्स फेच कर सको. सो 3 important things, अंग्रेजी, टेक्निक और एबिलिटी टू कंप्लीट योर एग्जाम. लास्ट चीज, उसके बाद सर अनस आ जाएंगे, आपके ऑप्शनल्स की सिलेक्शन बड़ी इंपॉर्टेंट और क्रूशियल रोल प्ले करती है. यहां तक कि आप, आई वुड से आपका जो मैंने सारी बातें बोली हैं, इसके बाद जो आपका सक्सेस की चांसेस हैं वो डिसाइड करते हैं आपके ऑप्शनल्स का कॉम्बिनेशन. इसके ऊपर हम एक प्रॉपर क्लास लेते हैं, लंबा चौड़ा सेशन लेते हैं, सब आपको डिटेल में बताते हैं. ऑप्शनल्स आपने 5-6 चीज़ों को फैक्टर इन करके रखने हैं. नंबर वन, अभी हम डिटेल्स में नहीं जा रहे, बट जस्ट टू गिव यू अ स्लाइट ग्लिम्प्स एंड अ फ्लेवर कि आपने किस तरह से ऑप्शनल्स रखने हैं. नंबर वन, आपका इंटरेस्ट. नंबर टू, आपका बैकग्राउंड. नंबर थ्री, आपके पास टाइम कितना है. लेट्स से आपके पास 2 महीने हैं और आपने आईआर कभी जिंदगी में नहीं पढ़ी हुई और आप कहते हो मैंने आईआर अभी पढ़ना स्टार्ट करनी है और 2 महीने में एग्जाम्स हैं, तो मेरा ख्याल है वो बेवकूफ़ी होगी. या अकाउंटिंग आपने नहीं पढ़ी हुई और आप अकाउंटिंग रख रहे हो, तो दैट इज लाइक स्टूपिड डिसीजन. नंबर फोर, आपके सब्जेक्ट्स किसी और सब्जेक्ट को कॉम्प्लीमेंट कितना कर रहे हैं. नंबर फाइव, उस
सब्जेक्ट के अच्छे प्रॉपर रेडिली अवेलेबल रिसोर्सेज अवेलेबल हैं या नहीं है. नंबर 6 विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, जिसपे आई वुड रिक्वेस्ट सर अनस टू थोड़ा सा आपसे शेयर कर दें, स्कोरिंग ट्रेंड, कि उस सब्जेक्ट का स्कोरिंग ट्रेंड कैसा जा रहा है. लेट्स से एक साल वो अच्छा है, एक साल नहीं है, दो साल बहुत स्कोरिंग जा रहा है, दो साल नहीं जा रहा. सो वी हैव टू बी वेरी सिलेक्टिव एंड केयरफुल वाइल चूजिंग आर ऑप्शनल्स का कॉम्बिनेशन, बिकॉज दैट इज गोइंग टू डिटरमिन योर सक्सेस एंड योर ग्रुप. अब मेरा एक दोस्त है, उसका पाकिस्तान में टॉप था सीएसएस में रिटर्न के अंदर, अगले साल उसने दोबारा एग्जाम दिया हुआ था, उसके रिटर्न में 100 नंबर कम थे, सेम सब्जेक्ट्स विद बेटर तैयारी. उससे पूछा ये क्या वजह बनी है, वो कहता है यार लास्ट ईयर मेरे सब्जेक्ट्स चढ़ गए थे, मतलब स्कोरिंग थे, इस साल मेरे सब्जेक्ट्स दो जो है ना वो लो स्कोरिंग चले गए हैं, हेंस मेरा एग्रीगेट स्कोर गिर गया. तो यहां पे भी एकेडमीज का रोल स्टेप इन करेगा, जहां हम आपको बताएंगे कि आपकी पर्सनैलिटी, सोच, थिंकिंग, सब चीजों को मद्देनजर रखते हुए सबसे ज्यादा आपके लिए ऑप्टिमल और सूटेबल सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन क्या बनता है. डज दैट मेक सेंस? तो ये 5-6 चीजें हैं जिसके बारे में आपको ऑप्शनल सेलेक्ट करते हुए बात करनी है. और अगर आपको नहीं पता आपका इंटरेस्ट किधर है, तो आई वुड से कि आप किसी अच्छे इंस्टीट्यूट में आओ, किप्स में आ जाओ, आप एक एक डेमो क्लास लो, अपने इंस्ट्रक्टर से मिलो, आप अपनी एफपीएससी की वेबसाइट जाके आप क्या कहते हैं कोर्स आउटलाइन स्टडी करो, एक दो लोगों से डिस्कस करो, देखो, फ्लेवर लो, समझ आती है वेल एंड गुड, नहीं समझ आती कोई मसला नहीं है. लास्ट चीज, एक और चीज लिख लें ऑप्शनल्स के अंदर, लैंग्वेजेस जो है ना वो बड़ा अच्छा आइडिया होता है हमेशा रखने के लिए. और कुछ सब्जेक्ट्स जो है, इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे कभी, कुछ सब्जेक्ट्स स्ट्रिक्टली नो गो जोन होते हैं विद द एक्सेप्शन ऑफ अ फ्यू, जिस तरह लेट्स से इकोनॉमिक्स, स्टैट्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री वगैरह. मैं ये नहीं कह रहा नहीं रखने, लेकिन मेजॉरिटी को लिटरेचर हम लोग रिकमेंड नहीं करते, उसकी सर्टन रीजंस हैं जिसके बारे में हम बात करते हैं. सो इन शॉर्ट, सीएसएस क्या है उसके बारे में डिस्कस कर लिया, अंग्रेजी हमें आसान, सिंपल, ईजी लिखने की प्रैक्टिस करनी है, जर्नी के बारे में ज़्यादा कंसर्न रहो बिकॉज इट इज ट्रूली गोइंग टू हेल्प यू इन एवरी वे, इट इज गोइंग टू ओपन अप एवेन्यूज. सिंपल और सिंपलिसिटी और मेडियोक्रिटी का इम्तिहान है, सीएसएस क्वालिफाई करना है तो हमने पेपर्स कंप्लीट करने हैं, टेक्निक को मास्टर करना है और अंग्रेजी ठीक करनी है. अगर आपको प्रायर नॉलेज नहीं है कोई मसला नहीं है, दैट शुड नॉट बॉदर और डिटर यू. उसके अलावा अगर आपको रट्टा बहुत अच्छा है तो उसका कोई फ़ायदा खास होने नहीं वाला, सीएसएस में एक हद तक हो जाएगा. बाकी ये है कि बुक से घबराने की जरूरत नहीं है, कामयाब वो बंदा है सीएसएस में जो बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ता, जो कामयाब वो बंदा है जिसको पता हो कि मैंने ब्रेक किधर लगानी है. ठीक है, अगर आप अपने एंड पे तैयारी स्टार्ट करोगे तो इट इज़ एन ओशन ऑफ नॉलेज, यू विल नॉट नो कि मैं सिरा कहाँ से पकड़ूँ और कहाँ एंड करूँ. यू विल रियलाइज कि यार मुझे पता हो कि मैंने ऑप्टिमल टाइम के अंदर सही तरीके से स्ट्रेटेजाइज करके तैयारी मैक्सिमाइज कैसे करनी है, ताकि मैं अपने चांसेस टू क्वालिफाई मैक्सिमाइज कर सकूँ पहली अटेम्प्ट के अंदर. रोल ऑफ अकेडमी मैंने आपको बता दी है, 3 लाइव्स होती हैं, पीएमएस की 3, सीएसएस की 3. पीएमएस के ऊपर सर अनस जो है वो आपको ज़्यादा बेहतर तरीके से गाइड कर देंगे. उसके अलावा इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चंस, बस हमारे 1 से 2 और स्पीकर्स हैं, और उसके अलावा लास्ट में वी विल हैव अ Q&A सेशन. सो आई वुड रिक्वेस्ट यू गाइज टू कीप सीटेड, कोई भी सवाल आपका आता है आई वॉन्ट यू गाइज कि हम लोग आपके लिए आए टाइम निकाल के. आप लोग का भी बहुत शुक्रिया कि आप लोग अपना अहम वक्त निकाल के आए हो. तो प्लीज़ जो भी सवाल हुआ वो खोल के आप लोग पूछ लें. ठीक है, तो नाउ आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट सर अनस भट्टी to come and take the stage. Okay? Thank you. Am I audible clearly? In the name of Allah, the most merciful, beneficent, and source of all the knowledge that you and I possess. UET बहुत सारे लोगों के लिए एक ख्वाब होता है, और आप लोग भी कुछ इसी तरह के ख्वाब लेके यहाँ पे आए होंगे. कई लोगों के पूरे हो गए होंगे, कई लोगों के पूरे नहीं हुए होंगे. ठीक है, बहरहाल ख्वाब तो होते हैं, और इट टेक्स इमेंस प्लेजर फॉर मी टू बी सीटेड देयर 5 years बैक एंड टू बी हियर राइट नाउ. इट इज़ मैटर ऑफ अ ग्रेट एस्टीम कि मैं भी आप ही की तरह का एक UET वाला इंजीनियर, ठीक है, वो लाइब्रेरी वाली रोड्स पे घूमना, ठीक है, वो फिर लड़कों के लिए जन्नत रोड होती है, GSS, BSS, ठीक है, ऑल दैट.
ठीक है, एनएक्सी का पंगा, और फिर लड़के रिलेट कर पाएंगे जो हॉस्टल्स में होते हैं, हॉस्टल्स की पढ़ाइयाँ, वो सारे मामलात बड़े चैरिशिंग होते हैं. बट आई एम हेयर नॉट टू कन्विंस यू पीपल टू डू सी एस एस और टू डू पी एम एस. मैं यहाँ पे कन्विंस करने नहीं आया, मैं यहाँ पे आप लोगों के साथ एक एक्सपीरियंस शेयर करने आया, एक ओपिनियन शेयर करने आया कि एज अ यंग नेशन, कल ट्विटर बंद हुआ जब तक ये पता नहीं, फेसबुक और इंस्टाग्राम डाउन हुआ जब तक ये पता नहीं चला कि इट वॉज ए ग्लोबल, वी वर थिंकिंग कि हमारे स्टेट में ये हो गया. अभी अगर ट्विटर बंद हो जाए आप कहेंगे कि किसी ने, बॉयज़ ने ये किया, आप कह देंगे कि किसी ने ये किया, ठीक है, किसी ताकत ने ये किया. द थिंग इज दैट वी आर इन क्राइसिस, वी आर इन क्राइसिस, एंड एज वी आर इन क्राइसिस we as a nation, because I felt this thing, my parents, my elders, they did remarkable to bring us the best of us. But lekin agar aap practically baat kare to hum ye sunte hain ki hamare teen generations ke kuch loopholes pakistan mein rahe jo 75 saal se abhi bhi siyasi istehkam ki zarurat hai pakistan ko behtar hone ke liye. 75 saal ho gaye hain hamare yahan siyasi istehkam nahi aaya, theek hai, nahi aaya. फिर एज एन इंजीनियर मैं यहाँ पे क्यों सीएसएस का सेमिनार करने आ गया, मुझे तो आना ही नहीं चाहिए. यू शुड डू इंजीनियरिंग, आप इंजीनियरिंग कर रहे हैं, बी गुड इंजीनियर्स और जाके आप कंट्रीब्यूट करें. बट मैं आपको बता रहा हूँ आपके साथ ये होने हैं, आप में से बहुत सारे लोगों के भी शायद जहनों में चल रहा हो कि ये तो बड़ी रेलिवेंट सी चीज़ है हमारे लिए, हमें नहीं करना चाहिए सीएसएस, ठीक है, हमें तो इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग करनी चाहिए, हम तो इंजीनियर हैं, चार साल हम टेक्निकल पढ़ के अब नॉन टेक्निकल में घुस जाएँ. वही मैंने दोबारा ये मेरे साथ हुआ है, ये मैं आपके साथ प्रैक्टिकली शेयर. आई एम ग्रेजुएट ऑफ मैकेनिकल इंजीनियरिंग फ्रॉम 15 to 19 बैच. तो जब आप ये सोचते हैं ना कि जी टेक्निकल हैं हम अब नॉन टेक्निकल स्टाफ में घुस जाएं, देखिए आप लोगों को, आप लोगों में से कोई 50% लोगों के साथ, 60% 70% लोगों के साथ ये होना है कि आप लोग ये सोचेंगे कि हम सी एस एस करें. आपने ये सेमिनार लिया है या नहीं लिया, आपके जहन में सी एस एस एज एन ऑल्टरनेट चॉइस आएगी. क्यों आएगी? आपकी जॉब मार्केट सैचुरेटेड. सर बैठे हैं, सर बेहतर बता सकते हैं, जॉब्स ही नहीं है. मुझे जॉब ही नहीं मिली थी, खुलने में कह रहा हूँ, नहीं मिली थी, तैयारी शुरू कर दी, कर लिया, यहाँ पे आ गए, नहीं मिली भाई, इतने इंटरव्यूज दिए, फातिमा में दिया, यूलिवर में दिया, फलानी जगह पे दिया, फलानी मिलर ट्रैक्टर्स में हुई, 25,000 दे रहे थे महीने का, मेरी अम्मी मुझे पॉकेट मनी 30,000 दे रही थी. यार ये सारी ग्राउंड रियलिटीज हैं जो आप लोगों ने फेस करनी है, ये होना है आपके साथ. तो सीएसएस का जो प्रोसेस है ना जी, उसके ऊपर तो आपको सर शाहरुख ने बड़ा ही तफसीलन बता दिया, उसमें से कई बातें आपको शायद अभी समझ नहीं आएंगी जो डाउन द टाइम आपको समझ आएंगी. बट आई एम हेयर टू मोटिवेट यू पीपल, इफ़ यू वॉन्ट टू डू सीएसएस, इफ़ यू वॉन्ट टू डू सीएसएस, आई एम नॉट सेइंग डू सीएसएस, आई एम सेइंग इफ़ यू वॉन्ट टू डू सीएसएस, आई विल प्रेजेंट माई सेल्फ वेरी हम्बली एज अ केस स्टडी ऑफ एवरी थिंग दैट सर शाहरुख सेड. जो भी हमने बोला है मैं आपको केस स्टडी बन के बताता हूँ कि मेरे साथ ये हुआ. आप अगर रिलेट करेंगे तो मैं भी आपके लिए कोई फोकल पॉइंट बन जाए कि आप भी सी एस एस कर दें. सबसे पहली बात तो ये है कि भाई सी एस एस करके ना आपकी इज्जत होती है, ठीक है, सी एस एस से पहले भी अगर कोई होती है तो होती है, लेकिन सी एस एस करने के बाद आपकी ज़्यादा इज्जत होती है, ठीक है, बहुत ज़्यादा इज्जत होती है, मैं बता भी नहीं सकता, ठीक है, अनइमेजिनेबल सोशल एक्सेप्टेंस आपको आती है, ठीक है, आपके ख़ानदान वाले आपके साथ बहुत अच्छे हो जाते हैं, ठीक है, जो आपके साथ पंगे करते हैं वो आपसे डरने लग जाते हैं कि एसी है हमें टांग देगा, ठीक है, ये होता है, ये सारी चीज़ें, वी आर पार्ट ऑफ दिस सोसाइटी. आप इथियोपिया या युगांडा से तो नहीं आए, ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा यू बिलोंग टू यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ शाहदरा, ठीक है, देखें तो ये सारी चीज़ें जो है हमारे सोशल लैंडस्केप में लाई करती हैं. हैविंग सेड दैट, जोक्स अपार्ट, मैं थोड़ा सा इंट्रोडक्शन अपना देता, दिया नहीं मैंने आपको, आई नाम मेरा आपको अगर नहीं पता तो अनस भट्टी, आई एम मैकेनिकल इंजीनियर फ्रॉम यूटी लाहौर, 15 से 19 का ग्रेजुएट हूँ, 19 में ग्रेजुएशन ख़त्म हुई, जॉब की तलाश में डेस्कोन, यू लिवर, फातमा, फौजी के 3 टेस्ट दिए, ठीक है, पार्क स्प्रिंग, यू नेम इट यू हैव इट, ठीक है, हर जिस तरह एक आम इंजीनियर करता है उसी तरह मैंने भी किया, एंड आई हैड रीजनेबली वेरी गुड सीजीपीए, आई हैड 3.67 एट माय टाइम.
तो स्टिल आई वाजंट गेटिंग दैट थिंग. मुझे जॉब वो मिली लेकिन वो मैं उससे सेटिस्फाइड नहीं था. सफायर में मिली. सफायर में मैं आपको बताता हूँ कि क्या जॉब मिली. मैं मैकेनिकल इंजीनियर. मैं एक ख्वाब लेके बैठा कि मैंने पता नहीं दुनिया की सप्लाई चेन बदल देनी है. मुझे एक जॉब मिलती है स्टाइल टेक्सटाइल में. अब मैं से किसी ने नाम सुना हो कायजाज में इंडस्ट्रियल स्टेट में है. वहाँ में मुझे क्वालिटी अश्योरेंस इंजीनियर. मैं कहा वाह क्वालिटी अश्योर करनी है. अच्छा क्वालिटी अश्योर करने गया सर विद ड्यू रिस्पेक्ट. उसका ना कपड़ा आ रहा था और उसकी क्वालिटी मैंने यूँ चेक करनी थी. वहाँ पर बंदा खड़ा हुआ था उससे देखना था इस कपड़े में कोई टुक तो नहीं आ गया. दिस इज़ द लेवल ऑफ क्वालिटी. ठीक है. और उसका वो पे भी अच्छा कर रहे थे बट द जॉब जो आप कर रहे हैं जो आपकी ड्यूटी है वो. फिर आई लेफ्ट दैट जॉब. उस पर मेरा एक दोस्त लगा उसको कोविड में निकाल दिया गया. ठीक है. तो इट वॉज गुड डिसीजन बट दिस थिंग्स हैपन्स. कोविड-19 का पहला लॉकडाउन लगा था जब आपको लगा था कि दुनिया ख़त्म हो गई है. इमरान खान साहब उस वक्त वज़ीर आज़म थे. ठीक है. उनने लॉकडाउन लगाया था. फिर लॉकडाउन के बाद एक दिन लॉकडाउन खुला था. ठीक है. कुछ दिनों के 2-3 दिन के लिए खुला था. मई 2020 की बात कर रहा हूँ प्रिसाइजली. एंड दैट डे आई वेंट टू उर्दू बाज़ार. वहाँ पे इल्मी एक आपको पता होगा वो इल्मी बुक शॉप है. वहाँ से मैंने किताबें खरीदी ढेर सारी और वो मैं किताबें लेके चला गया और मैंने पढ़ना शुरू कर दिया. कोविड-19 वॉज अ टाइम. आई अपीयर्ड इन प्रोविंशियल मैनेजमेंट सर्विस PMS जो पंजाब की जैसे FPSC पाकिस्तान का सबसे बड़ा एग्ज़ाम CSS लेती है ना वैसे PPSC एक इदारा है जो सूबे का है. तो सूबे का सबसे बड़ा एग्ज़ाम इस PMS. ठीक है. तो मैंने PMS दिया फिर मैंने CSS दिया. ठीक है. तो CSS में आई वॉज एलोकेटेड इन माई 4th choice. जैसे सर ने बताया 12 ग्रुप्स होते हैं 3 choice ऑलमोस्ट सेम होती हैं 4th-5th. आई वॉज एलोकेटेड इन इनलैंड रेवेन्यू सर्विस इन CSS एंड एज एन असिस्टेंट कमिश्नर इन PMS. तो मैंने PMS को चूज़ किया ड्यू टू माई ओन रीजन्स. ठीक है. वो सब्जेक्टिव बात है उस पर मैं नहीं जाऊँगा क्योंकि वो उसके पीछे पूरी स्ट्रगल है 4-5 महीने की. वो नहीं मैं बताऊँगा आपको. सिर्फ मैंने PMS चूज़ कर लिया CSS छोड़ दिया. PMS चूज़ करने के बाद मैं आपको अपनी 3 postings बताऊँगा और 3 postings के एक्सपीरियंसिस बताऊँगा जो शायद आपको फील कर जाएंगे यार आप चेंज कर सकते हैं. फर्स्ट थिंग इज़ आई रिमेन पोस्टेड एज असिस्टेंट कमिश्नर इन सरगोधा फॉर 3 months. ठीक है. एनीवन फ्रॉम सरगोधा? कहाँ पे सरगोधा में किधर? ओके. और सरगोधा से ही है तहसील भी सरगोधा. ठीक हो गया. तो आई रिमेन पोस्टेड इन सरगोधा फॉर 3 months. इट वॉज वेरी गुड टाइम ओवर दियर. ठीक है. और उसके बाद आई रिमेन पोस्टेड इन कम्युनिकेशन एंड वर्क्स डिपार्टमेंट. आप लोगों ने शायद इसका नाम भी नहीं सुना होगा. कम्युनिकेशन एंड वर्क्स डिपार्टमेंट का काम ये होता है कि वो रोड जो सड़कें बनाते हैं रोड जो बिल्डिंग्स सरकारी. ठीक है. एंड देन नाउ आई एम पोस्टेड एज सेक्शन ऑफिसर ऑडिट इन प्लानिंग एंड डेवलपमेंट बोर्ड. ठीक है. इन 3 चीज़ों में ये हुआ कि अगर मैं जॉब करता तो शायद मैं अपनी गाड़ी ना ले पाता. ठीक है. आई हैव अ डिसेंट व्हीकल. ठीक है. डाला नहीं ये मिथ है कि सबको डाला मिलता है. ठीक है. इसमें भी नहीं आना कि डाला होगा आगे पीछे गार्ड होगी. वो टाइम के साथ चीज़ें आती हैं. व्हेन यू आर पॉजिटिव देयर. ठीक है. आई हैव अ गुड रीजनेबल कार. ठीक है. आई हैव अ रीजनेबल सोशल एक वैल्यू. ठीक है. सबसे बढ़ के ये कि मैं कुछ भी नहीं किया CSS PMS करके मैं इस काबिल हो गया हूँ कि मैं अपने जूनियर्स के साथ इस तरह से बात करूँ इस तरह से इंटरेक्ट करूँ. अगर मैंने ना किया होता तो आप लोग मुझे नहीं मेरा नहीं ख्याल है कि आप लोगों को मेरा पता भी होता. ठीक है. तो इट टेक्स इमेंस प्लेजर. देन आई वुड लाइक टू मेंशन कि माय फादर मैं सेंसिटाइज नहीं कर रहा इमोशनल नहीं कर रहा. इट इज़ स्पेशल सेशन फॉर मी. 2007 में मेरे फादर की डेथ हुई. एंड टिल देन माय मदर हेल्ड माय फिंगर और वो मुझे स्कूल लेके जाती थी. ठीक है. एंड टुडे शी इज़ विद मी. सो दैट्स योर मोमेंट फॉर मी. ठीक है. ऑब्वियसली क्योंकि ये सारी चीज़ें मेरा ख्याल है आप में से कोई एक ऐसा बंदा है जो इन सबको फजूल कह रहा हो. इसी सोशल सोसाइटी का पार्ट है ना. ये सब चीज़ों से आप रिलेट करते हैं ना कि आपके पेरेंट्स अगर इस तरह से आपके साथ हो तो वो प्राउड मोमेंट की बात है. तो मेरे लिए तो बहुत प्राउड मोमेंट की बात है. ये CSS और PMS से मुझे दिया. हैविंग सेड दैट तैयारी में 8 महीने ही लगते हैं. ठीक है. इतना ही टाइम लगता है. और ये सब्जेक्ट्स ऑप्शनल्स पे बड़े तफसीलन उन्होंने बता दिया. स्कोरिंग ट्रेंड पे उन्होंने एक मेरा
इनपुट मांगा था। स्कोरिंग ट्रेंड जब आप आएंगे ना जी, तब स्कोरिंग ट्रेंड उस साल का उसी वक्त ही डिसाइड होगा। अभी मैं अगर आपको बताऊंगा, आपके यहाँ से वो ऊपर से गुजरेगा कुछ, आपको समझ ही नहीं आएगी मैं क्या बात कर रहा हूँ। ठीक है, आपको आधे सब्जेक्ट्स का नहीं, एंथ्रोपोलॉजी का पता, एक बंदे को पता है, ठीक है, इन्वायरमेंटल साइंस का पता, ठीक है। तो ये CSS और PMS इज़ वेरी नेसेसरी। और उसके बाद वी हैव हर्ड ऑफ टर्म चेंज, तब्दीली सियासी हलकों में भी और उस दूसरे हलकों में भी हम ये बात सुनते आए हैं कि तब्दीली। आप मुझे बताएं, आप में से बहुत सारे लोग किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के पॉलिटिकल नैरेटिव के सपोर्टर हो गए, आप मुझे बता दें कि आप सब लोग चाहते हैं कि पाकिस्तान में तब्दीली आए, लेकिन आप मुझे सिर्फ एक बात बता दें जो आपने की हो कि पाकिस्तान में तब्दीली आए। कोई एक स्टेप, एक टाइनी स्टेप, कोई छोटा बेबी स्टेप लिया हो कि जी चेंज हमने लेके आना है। हाँ नो, मेरा नहीं ख्याल है कि कोई भी ये बात करेगा। तो वो चेंज लाने के लिए सबसे पहले आपको वो एम्बिट ढूंढना है कि आपका चेंज मैग्नीफाई भी हो सके, आपके चेंज का किसी को फायदा भी हो सके। हाँ आप चेंज कर लें कि भाई मैं पहले पैंट शर्ट नहीं पहनती थी, मैंने पैंट शर्ट करनी शुरू कर दी, मैं बेड में होता था, मैंने क्लीन शेव कर ली, चेंज आ गया। दिस इज़ नॉट चेंज ना, चेंज सोसाइटी में चेंज। अभी आप इन्वायरमेंटल इंजीनियर्स हैं, आप लोग अपने प्रोजेक्ट्स भी करेंगे, सब कुछ करेंगे। अगर मैं पूछूंगा कि कुछ ऐसी कॉन्ट्रीब्यूशन इन एनवायरनमेंट जो कि कॉमन मैन के साथ रिलेट करती हो, तो उस पर मेरे ख्याल से मुश्किल से एक या दो प्रोजेक्ट्स होंगे, रिसर्चेस होंगी, ठीक है। और जो रिसर्चेस होंगी वो आपको प्रैक्टिकली नज़र नहीं आएंगी, रिसर्च एकेडेमिया गैप, ये सारे इश्यूज़ हैं जिनको हमें एड्रेस करना है। मतलब मैंने एक रिसर्च पेपर पब्लिश किया क्लाइमेट पे ही, कि क्लाइमेट चेंज के ऊपर मैंने सिर्फ ये बात, उसका कोर ये था, ग्लोबल स्ट्रेटेजी कॉन्फ्रेंस इन इस्तांबुल, वहाँ पे मैं प्रेजेंट करके आया था। उसका सिर्फ उसमें जो बेसिक बुनियादी बात थी वो ये थी कि क्लाइमेट चेंज पे पेरिस क्लाइमेट अकॉर्ड हो गया, कोप हो रहा, COP28 हो गया, हाई लेवल पॉलिसी मेकिंग हो गई, ठीक है, लेकिन पॉलिसी मेकिंग हाई लेवल हुई, इम्पैक्ट कौन हो रहा है, मैं और आप, आम इंसान। तो इसको बोलते हैं जो ऊपर से नीचे आती है उसको बोलते हैं टॉप डाउन पॉलिसी मेकिंग, ठीक है, जो आम आदमी से ऊपर जाती है उसको बोलते हैं बॉटम अप। उसका सिर्फ कॉन्टेक्स्ट ये था कि बॉटम अप होनी चाहिए, ठीक है, बॉटम अप होनी चाहिए एंड इट इज़ टॉप डाउन, ठीक है। तो इस तरह से करके आप, देर आर मैनी लिटल चेंजेस जो आप सोसाइटी के अंदर लेके आ सकते हैं, ठीक है। एज एन असिस्टेंट कमिश्नर एक तहसील में बैठे हुए हैं, यू हैव फंडिंग अप टू 5 करोड़ तक के मंसूबे आप अभी के सीन में लगा सकते हैं। अब मुझे बताएं, 5 करोड़ तक के मंसूबे अगर आप अप्रूव करवाने पे आ जाएं, तो आप क्या नहीं कर सकते, आप कुछ भी नहीं कर सकते। आप एक स्कूल में बाथरूम्स बेहतर कर सकते हैं जो कि नहीं होते सरकारी स्कूलों में, आप किसी भी जगह पे लोकल पार्क की ग्रासिंग इम्प्रूव करवा सकते हैं, आप कोई पार्किंग के ऊपर कॉन्ट्रीब्यूशन कर सकते हैं। ये वो सारी चीज़ें जिन मसाइल का आपको सामना है, लेकिन अगर आप इनपुट देखेंगे तो कोई इनपुट हमारी तरफ से हम कर भी नहीं सकते, वी आर हैंडीकैप्ड। तो मेरे ख्याल से ये एक इस तरह का चैनल है जहाँ पे कि आप पॉलिसी मेकिंग में, अब आपके जिम्मे भी आना चाहिए, भाई तूने क्या किया, इतना बातें कर रहा है, ठीक है। तो आई वेंट टू माई ऑफिस, आई वाज पोस्टेड इन प्लानिंग एंड डेवलपमेंट बोर्ड, वहाँ पर मैंने कल्चर देखा कि वो बोलते थे उधर के जो भी करता धरता और कैशियर टाइप होते हैं कि सर चाय का सामान दे दें, तो वो चाय आती थी, ठीक है। तो आई जस्ट मेड दैट लिटिल चेंज कि आई एम ऑफरिंग टी या जो भी मेरे कमरे में आता है, चाय बोतल, बर्गर, सैंडविच, एनीथिंग दैट इज़ कमिंग फ्रॉम माई पॉकेट, ठीक है। ये छोटा सा चेंज मैंने किया, मैंने सरकार के कोई 10 से 15 हज़ार रुपये बचा दिए अपनी हम्बल कैपेसिटी में एज एन इंडिविजुअल, ठीक है। वो कहते हैं ना कि शिकवा ए ज़ुल्मत शब्द से तो कहीं बेहतर था अपने हिस्से की शम्मा जलाते हैं, तो वो आपने छोटी छोटी शम्मा जलानी है। अच्छा, अगर आपको लगता है एज एन इन्वायरमेंटल इंजीनियर आप जला सकते हैं, जला दें कुछ कॉन्ट्रीब्यूशन। आई एम जस्ट वॉन्टिंग यू टू मोटिवेट योर सेल्फ टू डू समथिंग। CSS इज वन कैले डायमेंशन ऑफ दैट, कि अगर आपने CSS करना है, CSS करके करना चाहते हैं तो वेल एंड गुड। अगर आप इन्वायरमेंटल, अगर आप अमेजोन खेलना चाहते हैं, आप अमेजोन खेलें,
ठीक है, अब जो दिल करते हैं, बट जो भी करें उसको पीक, उसकी पीक को टच करें, जहाँ पे भी जाएं उसका बेस्ट आप होनी चाहिए, ठीक है। ये नहीं होना चाहिए ऑलराउंडर जैक ऑफ ऑल ट्रेड मास्टर ऑफ नन, वो वाला सीन नहीं चाहिए। जो भी चीज़ उसमें एक्सपर्टीज आपकी रिक्वायर्ड है, आप लोगों की कॉन्ट्रीब्यूशन रिक्वायर्ड है हमारी हमारी सोसाइटी को। और लास्ट में टू मोटिवेट यू पीपल, मैं सिर्फ एक ना वाक्य शेयर करूँगा। मेरा CSS21 क्वालिफाइड था और हम लोग इंटरव्यू की तैयारी कर रहे थे, तो वहाँ पे ना हम लोग UET के इंजीनियर से काफ़ी सारे 14 के ग्रेजुएट थे, 16 के थे, मैं 19 का था और एक 20 का था। और वो जो 20 का ग्रेजुएट था ना, उसको हम कहते थे छोटे चाय लेके आ, छोटे ये कर, उसका नाम ही हमने छोटा रखा हुआ था, अवैस इलियास, 16220 इन्वायरमेंटल इंजीनियर है, वो यहीं का है, इस वजह से बता रहा हूँ, शायद आप लोगों ने नाम सुना हो। अवैस इलियास साहब को हम इस तरह करते थे, CSS का रिजल्ट आया, CSS का रिजल्ट आया, हम लोग थे 8 लोग, उन 8 में से अवैस इलियास साहब वाज द, हम 8 में से सबसे बेहतरीन पोजीशन उसकी आई, ही वाज एलोकेटेड इनटू पुलिस सर्विस ऑफ पाकिस्तान, ठीक है। ही इज करंटली सर्विंग एज ASP, ठीक है, उसकी ट्रेनिंग अभी ख़त्म हुई है तो वो ASP हो गया है। तो वो भी एनवायरमेंटल इंजीनियर था और यंग था और तजर्बे में और इन टर्म्स ऑफ नॉलेज बहुत कम था, अगेन बात वही आ गई कि टेक्निक उसकी ठीक थी, इंडियन पुलिस सर्विस ऑफ पाकिस्तान। अब उसको मैं फ़ोन करता हूँ ASP साहब, वो आगे से NS भाई कहते, तो मुझे शर्म आती है कि हमने इसको कितना तंग किया हुआ है, ठीक है। तो ये सारी केस स्टडीज़ आपके पास मौजूद हैं, मैं कोशिश करूँगा कि आपकी जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसको अवैस इलियास के नंबर देके जाऊँ, यू हैव अ वेरी गुड एलुमनाई सर्विंग इन सिविल सर्विसेज, तो उससे आपको ज़्यादा मोटिवेशन आएगी, ठीक है। हैविंग सेड दैट, मैंने कोशिश किया कि इसको कैंडिडेट ही रखें, लाइट ही रखें और आप लोगों से कुछ निकाल सकें, ठीक है। और अगर इंजीनियर 60, मेरे बैच में 50 लोग हैं, 50 में से 10 इंजीनियर्स हैं, 10 UET के इंजीनियर्स हैं, इट मेक्स इट 20% सिर्फ UET के, और अगर ओवरऑल देखेंगे 15-20 हैं एंड दे परफॉर्म वेरी गुड इन रिटन एंड इंटरव्यू एज वेल, ठीक है। तो इंजीनियर्स आते हैं, उनमें से बता रहे रीजंस डिफरेंट होती हैं, ज़्यादातर यही होती है, वो मेरे वाली वजह, ठीक है, उसको अब रहने दें, ठीक है ना। तो उसकी वजह से आते हैं और एंड दे परफॉर्म गुड एंड दे आर गुड ऑफिसर्स एज वेल, दे आर सर्विंग। अगर आप अभी देखें डायरेक्टर डेवलपमेंट लाहौर, कमिश्नर लाहौर की पोस्टिंग्स पे भी दे सर्व एंड दे सर्व इन अ वेरी बेटर वे। और ये जो लोअर स्टाफ है वो ये बात अग्री करता है कि व्हेन इंजीनियर्स कम, दे हो सकता है कि वो होम्योपैथिक हो, स्टेटस को एंडोर्स करती हो, बट दे एटलीस्ट हैव अ वेरी डिफरेंट स्टाइल, ठीक है। तो इस वजह से इंजीनियर्स का सक्सेस रेट ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा है। एंड आई वुड अर्ज यू पीपल कि अगर आपका इरादा है तो आज ही इरादा करें, ठीक है। और CSS PMS आप ही के लिए बना है, आप जैसे लोग ही करते हैं। मैं मिडिल क्लास फैमिली से था, जिनकी तनख्वाह यकम को आती है और अगले 10 दिन अजाब हो जाते हैं, ठीक है। लेकिन अब आई एम हैविंग समथिंग इन माई सेविंग हेड, ठीक है, ऑल कुडोज टू माई CSS and PMS वाली चीज़, ठीक है। रीजनेबल सैलरीज, सब कुछ बहुत अच्छा है, यू जस्ट नीड अ वेरी गुड काइंड ऑफ टैलेंट के इंटरनल मोटिवेशन टू डू CSS, ठीक है। लास्ट में जो लोगों को आपको एंटीथीसिस मिलना है इसका कि CSS ना करें, आप तो इंजीनियर हैं, तो उसके लिए मैं कुछ लाइनें आपके साथ शेयर करूँगा कि कुछ लोग तुम्हें समझाएंगे, वो तुमको खौफ दिलाएंगे, आगे जो है वो भी हो सकता है, इस राह में रहजन है कितने, कुछ और यहाँ हो सकता है, कुछ और तो अक्सर होता है ना जी, कुछ और तो अक्सर होता है, पर तुम जिस लम्हे में जिंदा हो, ये लम्हा तुमसे जिंदा है, तुम अपनी करनी कर गुजरो, जो होगा देखा जाएगा। अब वी हैव आवर लास्ट स्पीकर एंड आई वुड लाइक यू टू कीनली लिसन टू हिम, डॉक्टर शाहिद वजीर खान, ही इज द वेटरन वन हु इंट्रोड्यूस, आई एम गोइंग टू इंट्रोड्यूस, सर थैंक यू सो मच। You can all hear me? Okay, thank you for the welcome.
एंड अ ब्रीफ इंट्रोडक्शन ऑफ माइन, डॉक्टर शाहिद वजीर डिड MBBS वे बैक इन 1980s फ्रॉम अलामा इकबाल मेडिकल कॉलेज. Then I did my CSS and qualified it in 1988. I served the government service in various capacities for the last 27 years. And then I resigned from the service because I wanted to contribute from the platform of my family institution, that is KIPPS. And I am the director of CSS PMS program from this on the behalf of this organization, and established the CSS campuses in 10 cities of Pakistan. Okay, that's my journey and contribution. Now, a different talk. I will start from my observation. She is the seventh participant who is leaving during the discussion. I have come just 10 minutes before, and during this I observed three things. The seven participants, they quit, number one, and there were a lot of discussion and gossip going on at the back benches, okay? So that, first of all, shows the attitude of the participants whom I am going to address. So if the attitudes, if the students, they are giving me this attitude, obviously this is a kind of demotivation, and I would feel it that I may not be very much listened by you candidate. So I will just keep my talk very short. The observation. Observation started, मैं bilingual होगा, कोई यहाँ पे उर्दू में बात हो रही थी. तो मैं जब एंटर हुआ तो वहाँ पे चार लड़कियाँ खड़ी थी डिपार्टमेंट के नीचे, और मैंने उनसे पूछा कि यहाँ को सीरियस का सेमिनार हो रहा है. उन्होंने कहा जी हो रहा है. मैंने कहा ज़रा आप काइंडली मुझे गाइड कर दीजिए. उन्होंने मुझे बता दिया. तो मैंने कहा आप क्यों नहीं पार्टिसिपेट कर रही हैं, व्हाई यू आर स्टैंडिंग हियर. तो कहती हैं वी वर नॉट इंटरेस्टेड. So that's again the problem of attitude. Okay, that's the impression which I have received from so far. My apologies. अब भैया दूसरी बात, इन्होंने दो बातें कही हैं, उसके ऊपर मैं कमेंट्स करूँगा. इन्होंने पहले कहा कि कमिश्नर ऑफ लाहौर के बारे में इन्होंने रिसेंटली भी बात की. अभी आपने की कोई बात उनके बारे में? डेवलपमेंट. सो लेट मी टेल यू दैट द इनकम्बेंट कमिश्नर ऑफ लाहौर मिस्टर मोहम्मद अली रंधावा, ही इज़ माई स्टूडेंट. He did his CSS preparation from KIPPS, and he is at the moment, he is a Director General, Lahore Development Authority. He is Commissioner of Lahore, and he also did additional duty of Secretary to the Interim Chief Minister of Pakistan, Mr. Naqvi. Okay, so that's just one indication that you could see my students, they have reached at the top of their careers when I started the preparation of the CSS. Second thing, he said that the engineers, there were 50 engineers in their batch. So let me tell you that I have been observing the induction of the engineers since 1990s. Aur 1990 se ab tak ki kya progress hai, wo main aapko batata hoon. There have been three top people or the qualifiers who have joined the civil services. Number one, engineers. Number two, doctors. And number three, the LUMS graduate. Okay. Now, engineers, sabse zyada engineer jo maine is throughout apni career mein dekha, observe kiya hai, wo UET ke number one pe hain. Number two, NUST ke engineers aur JAPA aur unke jo graduates hain. Aur abhi pichle kuch saalon se trend change hua hai, and the LUMS graduate, okay, they are competing with the doctors and engineers. Aur 2 saal pehle they were more than 40 engineers inke batch mein, 50 engineers the mere batch mein, 60 engineer the. Aur 2 saal pehle LUMS se 40 graduates they qualified and they entered into the civil service. So that's one another observation that you should know where do you stand, kyunki engineers ka jo kamal hai wo ye hai, they are hard workers. आपकी इंग्लिश अच्छी नहीं है, 60% ऑफ माई स्टूडेंट्स दे क्वालिफाई CSS. इंग्लिश अच्छी नहीं होती है, कोई बात नहीं, आप मेहनत करते हो. और अभी भी 70% ऑफ द क्वालिफायर्स जो CSS में सेलेक्ट होते हैं वो रूरल एरिया के बैकग्राउंड के लोग हैं, वो बैकवर्ड एरिया के लोग हैं, वो अर्बन एरियाज़ के लोग नहीं हैं, वो
इस तरह की ग्रूम्ड फैमिली से बिलोंग नहीं करते हैं, वो हार्ड वर्क करके आते हैं अपने करियर बनाने के लिए। इन्होंने सैलरीज की बात की, तो सैलरीज में मुझे आपको बताने दें, एक गवर्नमेंट ने इसमें बहुत इम्प्रूवमेंट हुई है, बहुत इम्प्रूवमेंट हुई है। और वो ये इम्प्रूवमेंट हुई है कि आप जिस भी ग्रेड में हो आपको उसका राइट 1.5 टाइम्स मोर सैलरी वुड बी गिवन टू यू एंड दिस इज़ कॉल्ड एग्जेक्टिव अलाउंस। अब अगर आपकी सैलरी, अगर आप ग्रेड 18 में हैं और आपकी सैलरी जो है वो अगर 1,00,000 है, तो आपको एग्जेक्टिव अलाउंस मिलने के बाद आपकी सैलरी 2.5 लाख आपको मिल रही है। तो ये एग्जेक्टिव अलाउंस ये बहुत सी सर्विसेज में कर दिया गया है, पीएमएस सर्विस में भी कर दिया गया है, तो इस तरह से काफ़ी हद तक रिलीफ मिला है आपके ब्यूरोक्रेट्स को और इसको आने वाले को। तीसरी बात बच्चों, मैं थोड़ा सा मैं इसे सीरीज के ऊपर ज़्यादा बात नहीं करूँगा, वो हो चुकी है। मैं थोड़ा सा अपना तजर्बा आप जो है उसके बारे में बताना चाहता हूँ कि ये एक पाई चार्ट है, एक सर्कल है। आपको उस सर्कल के अंदर आपको बता दिया गया कि आपने रहना है, कि आपने सीएसएस करना है, ठीक है। लाइफ इज़ मच बिगर दैन डूइंग सीएसएस। उसके बाहर एक और सर्कल बनाइए, एक बड़ा सर्कल बनाइए और सीएसएस के सर्कल से बाहर निकल के आइए कि वहाँ पे आप क्या कर सकते हो। मैं उस हवाले से बात करूँगा कि उस लाइफ को इन्जॉय करने के लिए आपको ना सिर्फ एक सीएसएस करना है, ना सिर्फ आपको पब्लिक कंट्रीब्यूशन करनी है, ना सिर्फ ये कि आपने लुक आफ्टर करना है अपने फैमिली को और रिलेटिव्स को, आपने उसके अलावा भी आपकी लाइफ का ऑब्जेक्टिव होना चाहिए कि आपने सीएसएस में सर्व करना है। ऑल राइट, आप इसके साथ भी सर्व करें, ह्यूमैनिटी को सर्व करें, मैनकाइंड को सर्व करें, और उस हवाले से आपका करेक्टर स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। तो जब करेक्टर स्ट्रॉन्ग होगा तो आपका सीएसएस भी, आप एक अच्छे ऑफिसर बनेंगे क्योंकि आपका करेक्टर स्ट्रॉन्ग है, आपका जो सेंस ऑफ कंट्रीब्यूशन है, सेंस ऑफ अचीवमेंट है, वो भी आपका बेहतर होगा, आपकी जो इनसाइट होगी वो भी आपकी बेहतर होगी, और आप चीज़ों को न सिर्फ ये है कि आप सिविल सर्विस के इश्यूज़ को, प्रॉब्लम्स को, फील्ड को, बल्कि उससे बाहर के अपनी सराउंडिंग्स, अपने नेशनल लेवल पर आपकी जो आपकी ऑब्जर्वेशन हैं, रीजनल लेवल पे जो ऑब्जर्वेशंस हैं और इंटरनेशनल लेवल पे जो आपकी ऑब्जर्वेशंस हैं वो भी आपके एनहांस होंगी और आप एक बेटर पर्सनालिटी के साथ कंट्रीब्यूट कर सकते हो। मैं यहाँ पे एक और थोड़ा सा एक्सपेरिमेंट करना चाहता हूँ बेटा, आप ज़रा आ जाए, मैं इसी को बेस बनाऊँगा थोड़ी सी आगे 2-4 बातें करने की और फिर हम कंक्लूड कर देंगे। पहली बात तो ये है, आपने मैट्रिक क्यों किया? आराम से रिलैक्स होके एक सेंटेंस में आप उर्दू में जवाब दें कि आपने मैट्रिक क्यों किया। मैंने मैट्रिक इसलिए किया क्योंकि मैं अपने आप को एक होनहार तालिब इल्म बनाना चाहता था। होल्ड ऑन, नहीं बेटा, अगर आप होनहार ना होते तो आप मैट्रिक ना करते। सर एक्चुअली मैट्रिक मैंने इसलिए किया क्योंकि ये हमारी स्टडी का स्टार्ट था और हमने लिटरेसी को प्रमोट करना है। अच्छा, आपने हम बीइंग अ स्टूडेंट हमने अच्छा बेटा एक मिनट, आपने कहा लिटरेसी को प्रमोट करना, होल्ड ऑन, ये बेचारे थोड़े से ना मेरी बात को समझ नहीं रहे, ये मुझे इम्प्रेस करने की कोशिश कर रहे हैं लिटरेसी को हमने इम्प्रूव करना है, लुक एट हिज एम्बिशन। ओके, तो ये बड़ी बात है, आप एक एम्बिशन कैरी कर रहे हो। बाय द वे, लिटरेसी रेट क्या है पाकिस्तान का? सर पाकिस्तान का लिटरेसी रेट ऑलमोस्ट मेरी स्टडी के मुताबिक आई थिंक 54 है। रॉन्ग। What is the literacy rate of India? What is the literacy rate of Bhutan, Nepal, Bangladesh, Maldives, जो हमारे नेबरिंग में है? होल्ड ऑन, इसका मतलब है कि लिटरेसी रेट आपको मालूम नहीं और आप लिटरेसी रेट को एनहांस करने जा रहे हो, मैट्रिक आपने इसलिए किया। ओके, ये अब इसके मतलब है कि आपके जो टॉक्स हैं वो मैनिक ऑब्जर्वेशन हैं, यानी कि आपने बढ़ा चढ़ा के आपने अपनी इन्फ्लेटेड स्टेटमेंट्स दे रहे हो और इन्फ्लेटेड स्टेटमेंट्स रिटर्न में देते हो आपके नंबर कटते हैं, इन्फ्लेटेड स्टेटमेंट्स आप इंटरव्यू पे देते हो आपके नंबर कटते हैं। तो दूसरी बात, आपने एफएससी क्यों की बेटा? सर एफएससी इसलिए की क्योंकि एफएससी एक हमारा एज ए ब्रिज काम कर रहा था ताकि हम अपनी यूनिवर्सिटी लाइफ को तक पहुंच सकें जी। और अच्छा ठीक है, आप यूनिवर्सिटी लाइफ तक पहुँच सके, आप यूनिवर्सिटी में आ गए,
अब आपका क्या, आपने क्यों ज्वाइन किया इंजीनियरिंग? सर इंजीनियरिंग इसलिए ज्वाइन की क्योंकि हमारी जो हमारे पाकिस्तान कंट्री है उसको इंजीनियर्स की जरूरत है। ठीक है, डिफरेंट फील्ड्स हैं। ओके, लाइक एनवायरमेंटल इंजीनियर। होल्ड ऑन, इंजीनियर्स की जरूरत है तो आप सीएसएस का सेमिनार क्यों अटेंड कर रहे हैं? सर मैं सीएसएस का, जिस तरह के सर ने बहुत अच्छी बात की थी, सर ने कहा था कि आपने अगर अपना होराइजन ब्रॉड करना है, ठीक है, तो आपको ये जानना होगा कि आपकी कंट्री में क्या क्या चीजें चल रही हैं, आपकी। थैंक यू, थैंक यू। ये बेटा मैंने बातें कर दी कि इसका मतलब है कि आप अपने बारे में जानना चाहते हो, आपने होराइजन को ब्रॉडन करना चाहते हो। इसका मतलब है कि आप अपना को जो लाइफ का सर्कल है इस वक्त जो आप गुजार रहे हैं, आप उससे बियॉन्ड कॉन्ट्रीब्यूट करना चाह रहे हो और यू कैन, यू वॉन्ट टू बिकम डिफरेंट पर्सन। थैंक यू। बात यह है, यह गलती है जो हम करते हैं और मैंने भी की, कि मैंने मैट्रिक किया, मुझे नहीं पता था मैंने मैट्रिक क्यों किया। सीधी सी बात है, इसको मैंने इसलिए बुलाया, मैंने एफएसए क्यों किया, मुझे नहीं पता था कि मैंने क्या बनना है। मैंने मेडिकल में चला गया क्योंकि मेरे नंबर आ गया, मुझे नहीं पता था कि मैंने मेडिसिन करनी है, नंबर आ गया तो उसमें चले गए। चौथी गलती ये की कि मेडिकल जब स्टार्ट किया तो कमीशन जो फेडरल पब्लिक पंजाब पुलिस कमीशन का जो एग्ज़ाम है बड़ी लेट से हुआ और बड़ी देर बाद जाके हमारी सिलेक्शन हुई, तकरीबन 3 साल के बाद जाके। तो 3 साल के लिए आई हैव वर्कड एज एन एडॉक मेडिकल ऑफिसर। एडॉक मीन्स टेम्परेरी, लॉर से बाहर मैंने सर्व किया और मैं फ्रस्ट्रेट हो गया। सो आई सॉ क्योस इन माई मेडिकल लाइफ। क्योस कहते हैं इंतशार को, कि ये क्या लाइफ मिली है, ना जॉब सिक्योरिटी है, ना कोई फ्यूचर है। ये पेरीफ्री में हम चले गए रनाला खुर्द में, जहाँ पे बसें कितना टाइम लेती हैं ले जाने के लिए, वहाँ से आगे टांगा करना पड़ता था, वहाँ से आगे डिस्पेंसरी के आगे जानवर बंधे होते थे और वहाँ पे दवाइयों का क्या हाल था, सो ऑन। सो आई वॉज डिस्करेज्ड, ओके, फ्रॉम दी माई कोलीग्स एंड आई वॉज डिसहार्टेड। मैंने उसके बाद फैसला किया सीएसएस करने का, लेट फैसला। चौथी गलती ये आप जो करेंगे ना, मैं आपको उस पर लाना चाहता हूँ कि आप जितनी जल्दी फैसला करना है ना अपनी लाइफ का, कि आपने, और अपने दूसरों को भी गाइड करें, अपने बहन भाइयों को, छोटों को, कि आप मैट्रिक क्यों करवाना चाह रहे हो, उस बच्चे को अभी से गाइड करें, अपनी क्लैरिटी लाएं अपने ऑब्जेक्टिव्स में, अपने मिशन में, कि आप अभी भी क्या करना चाहते हो, अभी भी देर नहीं हुई एक्सक्यूज़ मी कि आप सीएसएस पे आना चाहते हो, तो एक कागज़ पेंसिल पकड़िए, अपने जो आपकी अपॉर्चुनिटीज़ हैं आपके इंजीनियरिंग में, उसको आप इसको, उसके मेरिट्स और डीमेरिट्स उसको आप चॉट डाउन करें, और इसी तरह आप सिविल सर्विस को ले लें, उसके जो मेरिट्स हैं और डीमेरिट्स हैं उसको जॉट डाउन करें, और जितना जल्दी फैसला कर लें वो बेहतर है। क्यों? क्योंकि हमारे बैच में जो एज लिमिट भी बहुत ज़्यादा थी, 21 साल से लेकर 35 साल तक, तो मेरे साथ 22 साल के लोग भी थे और 35 साल के भी लोग थे। इसका मतलब है कि जिन्होंने 22 साल की उम्र में ज्वाइन किया वो 35 साल की उम्र के मुकाबले में 13 साल ज़्यादा सर्विस करेंगे। तो जिन्होंने अर्ली डिसीजन ले लिए, क्विक डिसीजन ले लिए, वो आगे निकल गए। तो लेट फैसलों में ये नुकसान आपको, ये भी आपके जहन में रहना चाहिए। मुझे आज तक ज़िंदगी में एक स्टूडेंट मिला है मैट्रिक एफएससी का, मैट्रिक का, पेशावर कैंपस में हमारा स्किप्स का जो कैंपस है वहाँ पे जो टॉपर किया, जिसने टॉप किया पेशावर एफएससी में, वो अपने फादर के साथ मुझसे मिलने आया, क्योंकि मैं वहाँ पे सीएसएस क्लासेस होती है तो मैं क्लास लेने आया था। तो दैट गाय वांटेड टू सी मी बिकॉज ही हैड सम ऑब्जेक्टिव इन हिज माइंड। मैंने कहा जी बताइए आप क्यों मिलना चाहते थे मुझसे, कि जी मैंने अभी से फैसला किया हुआ कि मैंने सीएसएस करना है। मैंने कहा आर यू श्योर? जी, मैंने कहा आपने इस पर काम किया है, आपने इस पर रिसर्च की है, कि आप अंधाधुंध आप वैसे ही आपने सोच लिया है। मैं स्टूडेंट आई मेरे पास, उसने वो यूनिवर्सिटी की ग्रेजुएट थी लम्स की, जी मैंने करना है। उसको सीएस के बारे में कुछ पता नहीं था, क्या सब्जेक्ट्स हैं, कितने नंबर हैं, और उसने फ़ीस जमा करा दी पूरी, कि जी मैं कमिटेड हूँ सीएस करना है। इंफॉर्मेशन कोई नहीं है सीएस के बारे में। अब जब क्लासेज ज्वाइन की, उसको पता चला कि ये आपने क्या क्या करना है, क्या क्या करना है, सर्विस क्या है, वो तो उसका माइंड डिस्ट्रैक्ट हो गया, कि वो शी वॉज़ नॉट इंक्लाइंड टू डू इट। एप्टीट्यूड की बात है,
एप्टीट्यूड वो लड़की ने, इसलिए अगर करना है तो मैंने इसलिए कहा कि रिसर्च करें अपने जो आपके जो मेरिट और डीमेरिट हैं आपकी सर्विस के और जो सिविल सर्विस का उसका एक्सप्लोर करें, उसके बारे में कंप्लीट इंफॉर्मेशन लें और उसको कंपेयर करते हुए आप जल्द से जल्द डिसीजन ले लें सीएसएस करने का। तो इसलिए आप लोग इन गलतियों से अपने आप को बचाइए फ्यूचर के हवाले से भी, कि जो भी आप करना चाहते हो और उसको लाइफ में जल्दी कर लीजिए। बस मैं और कुछ नहीं कहना चाहता, और मैं अगर कोई एक्स्ट्रा पॉइंट है तो वो मकसद मेरा दोबारा से मैं रिपीट कर रहा हूँ कि आपके लाइफ का जो कैनवस है वो ब्रॉडर होना चाहिए, यानी कि गोल सर्कल जो है वो सीएसएस से बड़ा ठीक वो उसके बड़ा होना चाहिए, और उसके अंदर आप लिख के लगाएं कि व्हाट यू वांट टू डू। यू शुड हैव अ पर्पस ड्रिवन लाइफ, लिख लीजिए, यू शुड हैव अ पर्पस ड्रिवन लाइफ। ज़िंदगी का कोई मकसद होना चाहिए, ज़िंदगी का मकसद अगर मैं आज भी अगर मैं देखी, मैं बहुत बहुत सीनियर ब्यूरोक्रेट्स हैं, मैं उनको एहतराम करता हूँ, लेकिन आप उनसे पूछें कि भाई व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ लाइफ, दे बिकम डेफ एंड डम, पता ही नहीं है। आप इतनी सीनियर होने के बावजूद हमें पता ही नहीं है कि हमारी ज़िंदगी का लाइफ क्या है, मकसद क्या है। तो मकसद क्या है इसको आइडेंटिफाई करें और पर्पस को आइडेंटिफाई करें, और एक पर्पस जो आपका है वो लाइफ का पूरा करने का वो सिविल सर्विस में होगा, कि आपको आपकी नॉलेजेबल होंगे, आप कॉन्फिडेंट होंगे, आप ईगर होंगे लोगों के काम करने के लिए, आप उस पोजीशन में होंगे कि लोगों की सर्विस कर सकें, और अपने आप अपनी अपनी आपकी अपनी ग्रूमिंग भी वो जारी रहती है, आपको स्कॉलरशिप्स मिलते हैं, आपको पोस्टिंग्स होती हैं, बाहर पोस्टिंग्स होती हैं, एक्सपोजर मिलता है। तो इस तरह से आप साथ साथ आपका जो भी आपका वर्क है, पर्सनैलिटी का करेक्टर स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, और मैं आई एम श्योर कि इस पूरी क्लासरूम में किसी को नहीं पता होगा व्हाट इज़ करेक्टर, अगर किसी को पता है वो हाथ खड़ा कर दें। तो करेक्टर क्या है ये हमें नहीं मालूम, और करेक्टर बनाना है, वन ऑफ द पार्ट ऑफ सीएसएस इज़ दैट यू शुड बी अ मैन ऑफ करेक्टर और वुमेन ऑफ करेक्टर, यू शुड बी अ मैन और वुमेन ऑफ इंटेग्रिटी। तो बेटा ज़रा ये थोड़ा सा होमवर्क कीजिएगा, ज़िंदगी का मकसद क्या है पहले वो, फिर सीएसएस का मकसद, फिर पर्पस ड्रिवन लाइफ क्या है, जो मैंने ये चीज़ें जो मैं नहीं कर सका मैंने बाद में जो आके सीखी और ख़ुद सीखी, मैं वो चाहता हूँ जल्दी कन्वे कर दूँ। मैं अपने बच्चों को गाइड नहीं कर सका, मेरे बच्चों ने क्यों मैट्रिक एफ एस सी की, क्योंकि मैं उस वक़्त मेरे पास ये अंडरस्टैंडिंग नहीं थी। तो मैं आप लोगों को पहले से ये तैयार कर रहा हूँ मेंटली कि आपको अपनी लाइफ में आप करेक्टर पे काम कीजिए, आप पर्पस बिल्ड लाइफ जो है उसके ऊपर फोकस कीजिए और अपने कैरियर को फोकस कीजिए। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू वेरी मच जी, डॉक्टर शाहिद साहब, शाहरुख साहब और अनस साहब का बहुत शुक्रिया। और अब हम एक ब्रीफ क्वेश्चन आंसर सेशन रखेंगे 12:44 में, आप 45 कर लें, 15 मिनट का ये सेशन होगा जिसके बाद इसको हम क्लोज कर देंगे, और आप अगर कुछ सवाल पूछना चाहते हैं तो आप खड़े होकर सवाल पूछ सकते हैं, अपना नाम बता दें और फिर जिससे पूछना चाहते हैं आप उससे पूछिए। थैंक यू। Optional subjects complement your propensity subjects and if your backgrounds and interests are contradicted, how do you deal with that? मैं आप जवाब दें इसका, एक बात मैं यहाँ पे पहले कह दूँ कि अभी आपने फैसला करना है सीएसएस करने का, ऑप्शनल शुड नॉट बी योर कंसर्न एट द मोमेंट। ठीक है बेटा, ये बात की बात है कि क्यों करने हैं और क्या क्या उसमें उसमें देखना है, पर इस वक्त पहली आपका जो ऑब्जेक्टिव है वो ये कि आप सीएसएस करना है, आप पहले ये फैसला कर लें, और जब वो कर लेंगे तो उसके बाद सेकेंड स्टेज के ऊपर आपकी ऑप्शनल सिलेक्शन और उस पर डिस्कशन होगी। जी,
कंपल्सरीज को आप अच्छी तरह पहले जब कर लोगे ना, आप खुद इतनी पोजीशन में आ जाओगे कि आप खुद चूज कर सकोगे कि मेरे लिए कौन सा अच्छा सूटेबल कॉम्बिनेशन है. अभी इट इज टू अर्ली. हाउएवर अनस साहब आपको फिर भी थोड़ा सा एक ब्रीफ वो बता देते हैं. थोड़ा सा यार इसमें अभी अगेन सर ने कहा सब्जेक्टिव बात है, दूसरा अभी थोड़ा सा जल्दी है, लेकिन फिर भी मैं आपको ये बता देता हूँ कि आपको थोड़ी सी ओवरलैपिंग और थोड़ा सा स्मार्टली करना होता है. जैसे मैं आपको अपनी एग्जांपल दूंगा, मैं कुछ जनरलाइज नहीं करूँगा. मैंने आईआर ऑप्ट किया था क्योंकि मुझे लगा था कि मैं आईआर में मैंने करंट अफेयर्स जो है वो आईआर के पेपर टू से ओवरलैप करता है, तो वो कर लिया. सेकेंडली मेरी थोड़ी सी नॉन ट्रेडिशनल सब्जेक्ट सिलेक्शन थी जिस पर मैं आप लोगों से बात मुझे पहले भी करनी चाहिए थी. आई ऑप्टेड फॉर फिज़िक्स. ठीक है, अब फिज़िक्स में ना थोड़ा सा इसमें यह है कि चूंकि आप कोई 1000 मार्क्स जो है वो सोशल साइंसेज के कर रहे होते हैं तो 200 एकदम से टेक्निकल आ जाता है. तो आमतौर पे तासुर पाया जाता है कि आपको टेक्निकल सब्जेक्ट ऑप्ट नहीं करना चाहिए. तो अगर आपको लगता है कि आप उस लेवल का टेक्निकल सब्जेक्ट कर सकते हैं तो आपको करना चाहिए. आई ऑप्टेड फॉर फिज़िक्स एंड मैंने तकरीबन एमफिल फिज़िक्स का भी कोर्स पढ़ा था. ठीक है, आई टॉप्ड फिज़िक्स इन पीएमएस एंड सीएसएस, लेकिन अगेन उसके पीछे एक पूरी स्ट्रगल है. वो सिलेबस देखो ना तो लगता है कि एफएससी का सिलेबस है, लेकिन वो एफएससी का सिलेबस नहीं है. उसकी डेप्थ ऑफ सिलेबस जो है वो आपको देखनी पड़ती है. ठीक है, तो ये अगेन ऑप्शन जब आप जाएंगे तो आपका वो समहाउ आपका कम्बिनेशन एक अच्छा बन जाता है. ठीक है, तो इट इज़ टू अर्ली टू जनरलाइज और रेकमेंड यू समथिंग फॉर यू. थैंक यू. Thank you, sir, for your time. It was a really great session. I have two questions. The question one is about the criteria. आपका जो GPA, CGPA for after university, आप कितने उस criteria में आप practical capable हो for the CSS. And second, कि जैसे now we are in the third year and then last year we'll be appearing for if we are going for CSS. तो हमें जैसे सर ने कहा कि you need a mentorship for the different institutes. आपको एक चाहिए होती है कि आप for example कोई academy join कर रहे हो. तो व्हाट इज द चेकलिस्ट कि आप एक एकेडमी को ज्वाइन करने जा रहे हो कि हम इधर से अपनी सीएसएस की प्रिपरेशन करना है, तो वो क्या एक चेकलिस्ट हमारे माइंड में होनी चाहिए कि ये एकेडमी हमें ये चीज़ें प्रोवाइड करी है तो हम वो करें. जैसे लाहौर में वर्ल्ड डांस इंस्टीट्यूट है, किप्स अकेडमी है, नेशनल ऑफिसर्स अकेडमी है, तो लाइक एक मार्केट बहुत वास्ट है इसमें, तो हम क्या चीज़ दे के वो अकेडमी को सिलेक्ट करें कि हम वहाँ से अपनी प्रिपरेशन. इसमें मल्टीपल चीज़ें हैं. पहली चीज़ तो ये जो आपने क्राइटेरिया की बात की है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग 45% मार्क्स रिक्वायर्ड हैं आपके इसके अंदर. सी जी पी आपका कैलकुलेट आप कर लो देर मेरे में फिर आप भी दैट यू कैन अप्लाई फॉर सी एस एस. दूसरा जो आपने बात की है, वेरी ऑनेस्टली दैट इज़ अ वेरी सब्जेक्टिव चॉइस. आप उस देखो कि वो फैसिलिटीज़ क्या दे रहे हैं, उनकी पब्लिकेशन, हेल्प डेस्क, मेंटर्स, मोस्ट इम्पॉर्टेंटली आई वुड से फैकल्टी. फैकल्टी बहुत इम्पॉर्टेंट है एंड विदाउट अ डाउट वी कैन से दैट डॉक्टर साहब ने जो लोगों को हैंड पिक किया है दे आर द बेस्ट इन इनफैक्ट इन पाकिस्तान. ठीक है, उसके अलावा इंस्टीट्यूट की रेपुटेशन, पास्ट रिजल्ट, देयर आर अ होस्ट ऑफ थिंग्स. ठीक है, आई वुड रिक्वेस्ट कि आप खुद रिसर्च करके, और अगर देखो हम लोग तो कहते हैं कि आप आओ हमारे पास डेमो क्लास लो, खुद देखो फैकल्टी, उसका एनवायरमेंट, सारी चीज़ें, एंड देन डिसाइड फॉर योर सेल्फ. मीट आर मेंटर्स फ्री ऑफ कॉस्ट, उनको डिस्कस करो, एक दो क्लासेस लो सो दैट यू गेट अ फ्लेवर. ठीक है, सो इसमें बहुत ज़्यादा चीज़ें हैं. ऑफ कोर्स इट्स अ कॉम्पिटिशन, बहुत ज़्यादा अकेडमीज हैं, सब बहुत अच्छा काम कर रहे हैं. आई वुड से फैकल्टी नंबर वन, उसके अलावा उनकी जो हेल्प डेस्क टीम है उनका पास्ट रिकॉर्ड, और जो वो आपको कमिट कर रहे हैं. देखो अगर अकेडमी आपको ये कमिट करती है ना कि आप हमारे पास आ जाओ और हम आपको अफसर बना देंगे, तो ये जो भी बंदा कहता है ना ये आपसे झूठ बोल रहा है. बिकॉज अकेडमी एक सर्टन हद तक रोल प्ले कर सकती है, आपको कंसेप्चुअल क्लैरिटी देना, आपको ओवरव्यू देना, आपको वैल्यूएशन देना, आपकी सब सिलेक्शन करवाना, आपको पूरा ऑप्टिमल रोड मैप बना के देना, आपकी ऑप्शनल सिलेक्ट करवाना, आपको कंप्लीट एक स्ट्रैटेजी और रिसोर्सेज के बारे में गाइड करना, यूट्यूब चैनल कहाँ से पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, लाइक माइंडेड लोगों में बिठाना, कंपेरेटिव इन्वायरमेंट देना, उसके बाद आपको अपने आप को रियल टाइम टेस्ट करना. Our purpose is to prepare you ताकि आप सेल्फ स्टडी मोड में जाके 4 माह अकेडमी लगाओ, 2 महीने खुद पढ़ो, 2 महीने मॉक्स दो, अपने आप को टेस्ट करो और फाइनली फिर एग्जाम में बैठने के काबिल हो जाओ. अगर आप सिर्फ अकेडमी पर रिलाय करोगे, हाथ पे हाथ रख के बैठोगे, खुद कुछ नहीं करोगे, that is not gonna ensure that you pass the civil service exam. आप कितने सीरियस हो? मेजोरिटी लोग 2-2.5 महीने 3 महीने अकेडमी लगा के उनको सब पता चल जाता है, वो आप कहीं भी चले जाओ उसके बाद उनको पता है मैंने कैसे कहाँ से क्या क्या पढ़ना है.
सो किसी भी अच्छे इदारे में चले जाओ, यहाँ पे हम किसी की बुराई नहीं कर रहे, सब बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। आप खुद गेज करो, विजिट करो, फैकल्टी से मिलो, लोगों से मिलो। ये मोमिल बैठी हुई है, शी इज, इन्होंने खुद भी एग्जाम दिया है, शी इज द मैनेजर ऑफ आर एकेडमी इन गार्डन टाउन, हमारे जौहर टाउन में भी कैंपस है। तो ये आपको थॉरली गाइड कर देंगे, टेक अ लुक एट आवर ब्रोशर, टेक अ लुक एट आवर यूट्यूब वीडियोस, यू गेट टू डिसाइड फॉर योरसेल्फ। प्लस लोग बहुत ज्यादा भी चार्ज कर रहे हैं, तो किप्स का जो मंत्रा है और जो लोगो है वो यही है कि वी ट्राई टू कीप एजुकेशन अफोर्डेबल फॉर एवरीबॉडी। ठीक है, हम कोई बहुत ज्यादा चार्ज नहीं करते या बहुत ज्यादा रिप ऑफ नहीं करते। हम हमारी जो फीस है, जो आपने कंपेरेटर्स के नाम लिए हैं, आप रिसर्च भी कर लो, हमारी फी इकोनॉमिकल है, इट इज अफोर्डेबल। अकेडमीज आर चार्जिंग ऑलमोस्ट 1.5 लाख रुपया फॉर दिस सेशन। ठीक है, सो वी आर, अभी हमारी, हम लोग तो काफी ज्यादा कोशिश करते हैं कि सिर्फ सिस्टम चलता रहे, एक इकोसिस्टम मेंटेन हो, एंड देन आप जैसे लोग को हम हेल्प कर सकते हैं। जी, आपका सवाल। I am Malaika Zubair and I am also a student of urban planning. एक क्वेश्चन तो स्पेसिफिकली सर अनसे है कि आपने बताया कि कोविड में आपने स्टार्ट की थी अपनी जर्नी, तो हमारे क्लियर करने के लिए भी क्या दोबारा कोविड आना जरूरी है? एंड सेकेंडली, वैसे तो आपने ऑलरेडी क्वेश्चन आंसर कर दिया है इम्पोर्टेंस ऑफ अकेडमी, बट मोर जनरली अगर आंसर हो जाए कि क्या इम्पोर्टेंस है अकेडमी की फॉर फिल्ट्रेशन, और आपने कुछ ज्वाइन की थी या नहीं की थी, और किस तरह हमने बैलेंस रखना है, टोटली अकेडमी में ट्राई करना है या किस हद तक हमें फॉलो करना चाहिए उस चीज़ को, और अपनी पर्सनैलिटी का क्या रोल है, बैलेंस किस तरह रखे अपनी पर्सनैलिटी में और अकेडमिक की इंफॉर्मेशन होना चाहिए। ठीक है, कोविड का तो आना बिल्कुल ज़रूरी नहीं है। कोविड का मैंने रेफरेंस मई 2020 का दिया था, और उसको मैं कन्वे नहीं कर पाया, माई ड्यू अपॉलोजीज फॉर दैट। मई 2020 में मैंने तैयारी स्टार्ट की थी, और फेब में मेरे CSS का इम्तहान था। मैं बेसिकली ये बताना चाहता था कि मुझे 8 से 9 माह लगे। ठीक है, और दूसरी बात ये कि मेरा PMS का एग्ज़ाम था अगस्त में, तो इट टेक 3 to 4 months फॉर PMS वाली चीज़। ठीक है, तो ये 8 माह में मैंने दोनों एग्ज़ाम्स किए। आप अकेडमीज़ की बात करें, उस टाइम पे अकेडमीज़ ज़्यादा खुली नहीं थी और मैं अकेडमीज़ में नहीं गया। दूसरे मेरे ऑप्शनल्स थोड़े से नॉन ट्रेडिशनल, जैसे फिज़िक्स था, तो मैं फिज़िक्स खुद ही करता रहता था, मुझे लगता था कि किसी से पढ़ने से बेहतर है खुद कर लूं। ठीक है, IR के लिए आई हैड अ वेरी गुड फ्रेंड जो कि IR पढ़ रहा था, तो ही कीप्स ऑन गाइडिंग मी, वो कायदे अजम यूनिवर्सिटी का ग्रेजुएट है, तो वो मुझे बताता रहता था। तो अगेन, गाइडेड मेंटोर तो मेरे पास था। और फिर लास्ट बट नॉट द लिस्ट, मैंने मॉक्स दिए थे कि टू हैव रियल टाइम, मुझे वो एग्ज़ाम प्रेशर 3 घंटे में 4 सवाल करना, MCQs करना, पेपर प्रेजेंटेशन, तो वो मैंने मॉक्स दिए थे, मल्टीपल जगहों पर दिए थे। ठीक है, अच्छा, आपने बात की थी, सॉरी, कि आपकी पर्सनालिटी और अकेडमी, इट्स नॉट लाइक अकेडमी आपकी पर्सनालिटी को अल्टर या चेंज कर देगा, हमने आपके पोटेंशियल पे आपको खिलाना है। ठीक है, और दूसरी बात ये जो आपने बात की है अकेडमी का रोल, उसके बारे में बता दूंगा कि 5-6 मेन फैक्टर हैं। एक, आपको CSS का 100% सिलेबस कवर करना ना पॉसिबल है, ना आप पूरा 10 साल भी लगा दो तो हर एवेन्यू आप कवर नहीं कर सकते, बिकॉज करंट अफेयर्स, पाकिस्तान अफेयर्स, IR इज चेंजिंग, ये सारा दे आर चेंजिंग एवरी सिंगल डे। दूसरी चीज, आपको एक, देखो हम, मैं अपनी मिसाल देता हूँ, मैं मानस साहब का मुझे नहीं पता, आप, हम लोग थोड़े से धक्का स्टार्ट थे। ठीक है, अब वही बात, जब हम फारिग थे तो हमने कहा यार मेरे पास भी नहीं था, मैंने कॉर्पोरेट से रिजाइन किया, मैंने कहा यार कुछ करने को नहीं है, चलो यार अकेडमी में घुस जाता हूँ। घुसा, मैंने कहा यार ये किधर आ गया हूँ, थोड़ी बहुत चीज़ें समझ आना स्टार्ट हुई, इंटरेस्ट डेवलप हो गया, वीडियोज देखना स्टार्ट कर दी, वो अलग अलग एक चैनल बना देता है, यू नो, देन ऑटोमेटिकली थिंग्स स्टार्ट फॉलोइंग इनटू प्लेस। तो मैं ये बात करूंगा कि आपको एकेडमी का जो मेन मकसद है ना, वो है आपको डेडिकेटेड टाइम फ्रेम के अंदर इतना इक्विप कर देना कि आप उसके बाद 2 महीने खुद 2.5 महीने तैयारी करके, रिवाइज करके, मॉक्स दो ज्यादा से ज्यादा, हर एकेडमी में जाओ, किप्स में आओ, हर एकेडमी में जाओ, अपने मेंटर्स को दो, पेपर्स दो, ताकि आप रियल टाइम, मैंने बात की थी रिटन प्रैक्टिस की, ताकि आप टाइमली पेपर्स कंप्लीट कर सको। तो एकेडमी, सेल्फ प्रिपरेशन एंड देन वो, बहुत लोग सेल्फ प्रिपरेशन पहले करते हैं, ये बहुत सब्जेक्टिव बात है। हाउएवर आई थिंक आप थोड़ी सी गाइडेड मेंटरशिप और डायरेक्शन ले लो, उसके बाद सेल्फ स्टडी बोर्ड में जाके यू आर गुड टू गो, वो ज्यादा बेहतर रहता है मेरे अकॉर्डिंग। जी, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज हिबा, आई एम फाइनल स्टूडेंट ऑफ एनवायरनमेंटल इंजीनियरिंग। So my question is कि CSS और PMS के subjects जो होते हैं, they are same or different, और आप लोग हमें क्या recommend करेंगे, हम किसको, like किसके preparation को prefer करें? मैं इसका before that request,
it is too early for you to be thinking about this at this stage. ठीक है? I would say primarily जो आपके subjects हैं अंग्रेजी, current Pakistan affairs, general जो आपकी सारी चीजें अंग्रेजी के हवाले से, उन पे काम कर लें और कुछ subjects CSS और PMS की overlap करते हैं, उस पे सर अवेयरनेस बता देंगे, लेकिन अभी again it is too early. However आप सर प्लीज जरा, मैं बता रहा हूँ कि मैं 8 माह CSS की तैयारी में मुझे लगे और रास्ते में PMS आ गया, मैंने PMS दे दिया. ठीक है, तो अगर आप CSS को सेंटर करेंगे ना तो आपकी PMS की तैयारी ऑटोमेटिकली हो जाएगी. ठीक है, तो वो एक आधा कोई सब्जेक्ट GK का है, वो MCQs बेस्ड और उर्दू है, और उर्दू वो इतनी मुश्किल है ही नहीं, वो अभी भी आप देंगे तो पास कर लेंगे. मुहावरा किसी एवेन्यूज खोलेगा, इट इज इतनी हॉलिस्टिक और कॉम्प्रिहेंसिव प्रिपरेशन है ये कि यार इट्स गोना प्रिपेयर यू फॉर एवरीथिंग. मेरे अभी जानने वाले हैं वो अवैध सदर है, वो 5 साल CSS की तैयारी करके फाइनली ही लैंडेड एज असिस्टेंट डायरेक्टर इन FIA और अब वो कहते हैं कि भाई मैं CSS से भी बहुत बेहतर हूं, पूरा CSS की तैयारी करके ED FIA लगे हुए हैं, पावे में फिरते हैं, पूछते हैं, अपने टशन में फिरते हैं. पॉइंट इज के दरवाजे खुलते हैं, वो आपकी किस्मत और अल्लाह ने जो आपके लिए बेहतर लिखा है. सो इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर दिस एग्जाम, यू आर प्रिपेयरिंग फॉर एवरीथिंग. वन पेपर एग्जाम्स One paper exam. We have 6 opportunities for PMS and CSS. You have multiple. Uncountable options. Uncountable. क्योंकि FPSC या PPSC की मल्टीपल जॉब्स आती हैं जो कि वन पेपर बेस्ड होती हैं. अगर आपने गवर्नमेंट सर्विस में लगना है तो दिस इज योर स्वीटेस्ट पाथवे. वी विल कवर एवरीथिंग. बट टीम PMS, टीम CSS मेन एग्जाम है, इसके अलावा भी बहुत अच्छे-अच्छे एग्जाम हैं. ED FIA बहुत तगड़ी पोस्ट है. एनीथिंग एल्स जी? तो डेस्क के सिनेरियो में CSS करती हूँ, मेरा क्लियर हो जाता है. तो आपने जो जैसे ब्रांचेस की बात की थी, पुलिस, फॉरेन सर्विसेज, तो विल आई बी एबल टू ब्रिज civil services with my passion for environmental services. चलो मैं जवाब दे देता हूँ. मुझे से याद आया कि डॉक्टर खाकान बाबर मेरा बैचमेट था, KE का ग्रेजुएट था, PES में गया सर, या ड्यूरिंग सर्विस उसने एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग में उसने स्कॉलरशिप लिया और उसने क्वालिफिकेशन हासिल किया. But during service, he started his private consultancy in the afternoon. वो पंजाब यूनिवर्सिटी भी जाता था, विजिटिंग स्पीकर था, और अब वो रिटायर हुआ है और अब वो अपनी कंसल्टेंसी रन कर रहे हैं. सो दिस इज़ हाउ यू प्लान योर लाइफ, कि आप उससे क्या फ़ायदा उठा सकते हैं. मेरा ख्याल है ये जवाब से आप आपका पहला सवाल सॉरी क्या था? प्रोज एंड कॉन्स. प्रोज एंड कॉन्स उस पे मैं उस पे अनस साहब को मैं बता दूंगा कि वो रिक्वेस्ट कर दूंगा कि वो करते हैं. दूसरा आपने सवाल ये किया कि बैलेंस कैसे करना है, मतलब मैं अपनी जो सर्विसेज है फॉर एग्जांपल मुझे एनवायरमेंटल सेक्टर में काम करना. अच्छा, इसका मैं आंसर करता हूं. देखो अभी आप ये बात नहीं कर सकते बिकॉज आपका CSS क्लियर नहीं है और आप एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से सोच रहे हो. जब आपके हाथ में दोनों चीजें होंगी, देखो इट्स नॉट एन आइदर या और, क्या पता CSS हो ही ना और उसकी जर्नी के अंदर यू डिस्कवर समथिंग एल्स, या उस प्रिपरेशन के अंदर आपका इतना होराइजन खुल जाए और दिमाग खुल जाए कि आप बोलो यार मैं अपनी इंजीनियरिंग की एनवायरमेंट वाली फील्ड को इतना ज्यादा कॉम्प्लीमेंट कर सक रही हूँ कि नाउ आई नो होलिस्टिकली चीजों का क्या सीन है. डज दैट मेक सेंस? सो इट्स नॉट एन आइदर और. CSS का टाइम है, आप 4-5 महीने निकाल लो, दिल किया अपेयर हो जाना और भूल जाना. उसके बाद हो गया, वेल एंड गुड. नाउ हुआ, यू ऑलवेज हैव अ बैकअप. डज दैट मेक सेंस? और जब आपका हो जाएगा तो क्या पता आपके पास आप खुद चूज कर सको, अल्लाह ताला आपको रास्ता दिखा दे कि उस तरफ आप मतलब कॉम्प्लीमेंट वो करेगा ही करेगा. आप इसको इफ या ये नहीं होगा. डज दैट मेक सेंस? ये इसलिए भी इम्पोर्टेंट है कि ये इस वक्त दुनिया का सबसे बड़ा चैलेंज है, ग्लोबल वार्मिंग. एनवायरमेंटल साइंस के अंदर आपकी अपॉर्चुनिटीज ग्लोबल लेवल पे और पाकिस्तान के अंदर बड़ा प्रेशर है. इसी तरह जो आपके जो आप सिविल सर्विस में जाओगे, तहसील लेवल पे, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, ये सब पे आपके प्रेशर होगा, आपके टास्क होगा कि आपने एनवायरनमेंट को कैसे डील करना है. तो ये आपके बड़े मच आपकी सर्विस में दोनों का
और नहीं होता तो आप उसका फायदा अपनी अभी वाली करंट फील्ड के अंदर होगा। और दूसरी चीज ये कि मैं इसी पे एक केस स्टडी मजीद ऐड करूंगा, डॉक्टर सुहेर अनवर हैं, प्रोविंशियल सिविल सर्विस का ताल्लुक है, वो अभी कंसल्टेंसी कर रहे हैं पावर्टी एलिविएशन पे। ही वेंट इनटू द सर्विस, और सर्विस में जाके उन्हें अपनी नीच डेवलप की, पावर्टी एलिविएशन पे स्कॉलरशिप्स लिए, और देन वो सर वाली बात एक मैं इंडोर्स कर रहा हूँ उसको कि उन्होंने अब अपनी कंसल्टेंसी, और वो भी इंटरनेशनल फॉर्म के साथ कंसल्टेंसी कर रहे हैं। सेकेंड चीज़ ये है कि कौनस आपने पूछे, मैडम मुझे भी 2 साल हुए हैं सर्विस में, मैं बहुत ज़्यादा कोई कौनस बता नहीं सकता, सिर्फ एक कौन ये है कि आप पे अनड्यू सोसाइटल प्रेशर आ जाता है, क्योंकि लोग ये समझते हैं कि आप ग्रेड 17 में ना बहुत कुछ कर सकते हैं, ठीक है, जबकि यू हैव वेरी लिमिटेड स्कोप टू योर ऑफिस। लोग समझ, मतलब इवन लोग ये कहते हैं जी हमारे बंदे को लगवा दो, अब हम इतनी मेहनत करके सीएसएस करके आए हैं कैसे लगवा सकते हैं ना, तो ये सारी ये पाकिस्तानी सोसाइटी का पार्ट है अगेन ये चीज़। तो इस तरह के कोई प्रेशर आते हैं, अनड्यू एक्सपेक्टेशन फ्रॉम द सोसाइटी। My question is from Sir Shahrukh. Sir, as you stated, it's not about the knowledge you have, but more about it, how you present and how smartly you work for exams, and at that time of exam, how you present your knowledge on the paper. So if I myself analyze me, I feel some shortcomings that I'm not able in exams to write whatever I know. So should I go for it or not? देखें, अगर आप कभी कभी कहता होता हूँ कि अगर आप बहुत ज़्यादा पढ़ लो ना, वो भी नुकसान दे है। उसका मसला ये है कि आप अपनी नॉलेज को इन द रिक्वायर्ड या डिजायर्ड टाइम फ्रेम आप कंडेंस करके प्रेजेंट ही नहीं कर पाते। आपके लिए नॉलेज है बहुत अच्छी बात है, आपके लिए चैलेंज ये है कि आपने उसको कंडेंस करके पेपर में लिखना है। और अगर आपको नॉलेज है, और अगर आपको अपनी मेजोरिटी लोगों को ना अपने बारे में अवेयरनेस ही नहीं होती, पहली चीज़ तो ये प्लस है कि आपको अपने बारे में पता है and you know exactly what you have to work on. But if you are not able to cope up with this problem till now? No, I think it's absolutely doable. आपने उसको properly कोशिश इतना करने नहीं की होगी, ये इतना बड़ा concern है ही, ठीक है? CSS के अंदर बल्कि अगर आपको ज़्यादा भी पता है, आप relevant रहे के proper तरीके से address करो, तो it is absolutely doable. ये नहीं होता कि आपको जितना उसके बारे में पता है आपने नहीं, हमने सिखाना ही है कि अगर आपको इतना पता है, पूछा आपसे वो पार्ट ये है रेलेवेंट वाला, तो आपने उसी महदूद के हद के अंदर रह के आपने अपने आंसर को देना। यस, दैट इज व्हाट आई टॉक्ड अबाउट, वी विल टीच यू द टेक्निक ऑफ राइटिंग एंड मास्टरिंग योर एग्जाम्स। सो योर क्वेश्चन सोली रिवॉल्व अराउंड द टेक्निक, एंड दैट इज एग्जैक्टली व्हाट वी विल टीच, कि भाई जान आपने नॉलेज तो ले ली, अब इसको आपने प्रेजेंट कैसे करना है, और ब्रेनस्टॉर्म करके आंसर को पहले लिखते हुए नहीं सोचना, ब्रेनस्टॉर्म करके पहले पॉइंट्स बना रहे हैं, फिर आपने आंसर प्रेजेंट कर रहे हैं। तो हमने आपका थिंकिंग पैटर्न और चीजें ऐसी आपको प्रैक्टिस करवानी है कि इट इज एब्सोल्युटली डूएबल, दैट इज नॉट अ कंसर्न एट ऑल, नथिंग टू वरी अबाउट। जी बहुत शुक्रिया सबका, आखिर में मैं स्टूडेंट्स से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो भरपूर तालियों की अपनी गूंज दें। मुझे उम्मीद है कि ये सेशन आपके लिए मुफीद होगा। मैंने भी सीएसएस में अपीयर हुआ था, ये राज मैंने कभी नहीं खोला, लेकिन आज मुझे खोलने दें। और खासतौर पे श्री श्री आपने जो पूछा था ना कि मेरा पैशन है एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग, लेकिन जो प्रोसेस से आप गुजरते हैं सीएसएस के, यू लर्न अ लॉट ऑफ थिंग्स, उस प्रोसेस से गुजरने का अपना रिकॉर्ड है। और मैंने देखा है कि जो कुछ मैंने वहाँ सीखा था उसने मुझे यहाँ टीचिंग प्रोफेशन में भी हेल्प की, और इससे पहले जब मैं गवर्नमेंट सर्वेंट था पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग में, वहाँ भी मैं बिल्कुल एक आम जो ग्रेजुएट था जो सीएसएस नहीं एग्जाम दे के आया था उससे बहुत मुख्तलिफ था। और मैं अपने आप को
या लोग कहते हैं कि आप बेहतर हैं, तो ये प्रोसेस आपको बहुत अच्छा सिखाता है। थैंक यू वेरी मच सब लोगों।